करिए। आप अपना साथ में जेनस भी ओपन कर लीजिए एंड देन ऊपर जाइए एडिट पे। हाँ जी ठीक है, एडिट पे जाके आपको सेलेक्ट करना है प्रेफरेंसेस। ठीक है, प्रेफरेंसेस पे जाइए, देन यहां से आपको ठीक जाना है। है क्या आईओएस राउटर, राउटर का आईओएस पे गया। मैं आपको मेरे पास ब्लैंक आ रहा है ये iOS राउटर। अच्छा ब्लैंक आ रहा है, तो आप यहाँ से न्यू लीजिए, न्यू पे जाइए। अभी तो वो आपके पास तो ब्लैंक ही आएगा ना, क्योंकि अभी कोई इमेज है नहीं। तो अब देखिए इमेज ब्राउज कर लीजिए, अच्छा। जहां पे भी आपने इमेज सेव करके रखा होगा। जैसे मेरा कहाँ पे है, मेरा ये कोई न्यू फोल्डर है उसके नाम ठीक पे है। है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको यहाँ पे देखते हैं ये हो गया। ठीक है, मैं शेयर कर दी कि इमेजेस के नेम से आपको जाएगा फाइल, मैं यहाँ पे आपको शेयर कर देती हूँ। ओके। साहिल एंड रवि जी को भी भेजना था एंड लुकमान को भी। ठीक है, मैं तीन लोग से शेयर कर दी हूँ इमेजेस। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं राउटर ठीक है। इमेजेस। देखिए पीपल एडिट आपके पास चली गई होगी, आया होगा मेल पे आपके, चेक करिए। तो आप जहां पे भी उस फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे भी आप सेव करके रखेंगे बस वहां से जाइए एंड जस्ट इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है एंड ओपन कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या है, उस पूरे इमेज का नेम आ जाएगा जिस नेम से होगा आपका इमेज, एंड देन नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ से आ रहा है नेम, प्लेटफॉर्म एंड कैशेस। तो अगर आप इसको कुछ 2600 को कुछ आप अपने नाम से देना चाहते हैं, मतलब कोई भी नाम आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि नहीं, ये 2600 ही रहे, सारी चीजें एग्जैक्ट रहे, तो नेक्स्ट। और ये क्या है, मैं ऑलरेडी यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो ये अनेदा नेम बोल रहा है, तो ले लेते हैं राउटर 2600। ठीक है, नेक्स्ट आ गया। अभी आपका डिफॉल्ट रैम कितना ले रहा है, 160 MB ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ से आपको अपने स्लॉट्स ले लीजिए। ठीक है, तो कोई भी ले लीजिए, आप फास्ट इथरनेट लेना चाहते हैं, अभी इसमें तो बस दो ही स्लॉट है, तो आप फास्ट इथरनेट ले लीजिए। ठीक है, देखिए और भी ऑप्शंस दे रहे हैं यहाँ पे, इथरनेट भी है, 4E का मतलब सीरियल लिंक, 4E आप लेंगे तो आपके पे सीरियल लिंक अटैच हो जाएगा। ये तो नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल ये नहीं चाहिए हमें, तो हमें अभी बेसिक चाहिए क्या, फास्ट इथरनेट पे हमें काम करना है, तो हमने कर लिया। और इसको एज इट इज फास्ट रहने ही तक। दीजिए, यस ठीक FETX। ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए एंड देन ये सब वैसे ही रहने दीजिए जैसे है, ये कुछ WC मॉड्यूल्स है, और यहाँ से आप फिनिश कर दीजिए। देखिए एक राउटर 2600 के नाम से मेरे पास, अब नीचे अप्लाई करिए एंड देन ओके कर दीजिए। अब आप वापस से कहाँ आएंगे, अपने राउटर पे आएंगे, तो देखिए एक मेरे पास एक नया राउटर ऐड हो गया, राउटर 20, वैसे तो ये ऑलरेडी मेरे में है, ठीक है। बट मैंने उसी राउटर को नेम चेंज करके लिया। ऐसे ही आप 3725 सीरीज का कर ठीक लीजिए, तो जो भी आपको लैप करना है यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, इसको अभी लोकली यहाँ पे अटैच होने दीजिए। आ गया R1 मींस राउटर 1 एंड देन है। आप एक और, अब आप जितने राउटर लेके काम करना चाहते हैं कर लीजिए। मैंने आपको 4 इमेजेस दिए हैं। ठीक है, एक स्विच का भी है, तो स्विच का मत करिएगा, स्विच नहीं होगा ठीक अभी, है। आप बस राउटर का कर लीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ से दो राउटर लेके बाकी तो हम जैसे लिंक जैसे हम करते हैं वो तो फिर हम वैसे काम करेंगे, तो अभी कर लीजिए, फिर एम्बलैप करने में ठीक आपको ठीक इजी ठीक रहेगा। आपने करा अभी? मैंने इमेजेस लगा दिया डाउनलोड पे। ये कुछ अच्छा, ज्यादा MB के हैं। चार होंगे, एक स्विच होगा उसमें, स्विच का चलो कोई नहीं, स्विच का कोई यूज नहीं है, उसको आप हटा सकते हैं। क्या होता है जीएनएस पे स्विच नहीं वर्क करता है ना, स्विच इनमें से है तो कौन? अच्छा, स्विच इमेज है। हाँ, तो क्या होता है जीएनएस पे स्विच वर्क नहीं करता है,
अगर बस आपको राउटर का लैब करना है तो आप क्या लेते हैं, जीएनएस पे वर्क करते हैं। अगर आपको स्विच भी चाहिए उसमें तो आप फिर सिस्को पैकेट रेसर यूज कर सकते हैं। और मैं सिस्को ओके, पैकेट मतलब रेसर का ना मैं एक नया, स्विच के सारे फंक्शन उस पे चलते हैं। हाँ सिस्को पैकेट रेसर पे चलेंगे, जीएनएस पे भी चलेगा बट उस पे मुझे इमेजेस डालने ओके होंगे। बट अभी उसको रहने दीजिए, वो बात की बात है। अभी हमारे सिस्को पैकेट रेसर तो है ही हमारे पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक और वो भी दे देती हूँ, मैं एक जिस पे मैं लैब करती हूँ, मैंने शायद आपको ओल्ड सिस्को पैकेट रेसर दे दिया है, तो इस पे एक काम और करते हैं। ओके, मैं आपको अब मुझे फिर बाद में कहीं मैं, अपडेट की उसमें आ रही थी ऑप्शन, मैंने हटा दिया, वो किया नहीं। हाँ नहीं एक्चुअली क्या होता है, जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट लेंगे ना तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस नए आए हैं, तो उसमें कुछ कमांड्स नहीं चलती हैं, तो इसलिए हम लोग जो पुराना जो यूज कर रहे हैं उसी पे ओके कमांड्स रन करते हैं, क्योंकि उस पे आइडिया है कौन सी कमांड रन होगी कौन सी नहीं होगी। ठीक है। तो मैं आपको जी एन सिस्को पैकेट रेसर 6.2 दे दे रही हूँ, ये वाली, ठीक है। तो आप सिस्को पैकेट रेसर इस पे रन करना, अब ये हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। ठीक है, हाँ अब आप कर लेंगे कोई और क्वेश्चन उसमें? जी चलिए हो जाएगा, तो ये अब तो हाँ, इमेजेस डाउनलोड आप होते ही हो ऐड, जाएगा, कोई चक्कर बिल्कुल नहीं। इमेजेस आप प्रॉपर स्टोर करके आप कहीं पे सेव कर लीजिएगा प्रॉपर, तो ब्राउज करके आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है। चलिए टॉपिक पे चले आज। तो हमने शायद हाँ OSPF जी के कुछ मैसेज टाइप्स देख लिए थे, है ना। लास्ट हमारा वो था हेलो मैसेज आते हैं, DBT मैसेज थे, LSR, LSU, LSA, एरिया एक्नॉलेज तक कॉन्स, गए थे। हाँ तो उसके बाद कुछ अभी नहीं बताया था। एरिया कॉन्सेप्ट से जहां तक मुझे याद है एरिया का कॉन्सेप्ट कराना था, है ना। एरिया करा दिया था क्या? नहीं कराया था। हाँ जी चलिए सो आज से नहीं नहीं हम, नहीं एरिया कराना बिल्कुल मैसेज के बाद, मतलब हाँ मैं समझ गई, आज एरिया का ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो जैसे मैंने बताया OSPF में कुछ एरिया कॉन्सेप्ट होता है, मतलब क्या होता है, OSPF जो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है उसमें हम सारे राउटर्स को एक एरिया के अंदर रखते हैं, ठीक है। एरिया मीन्स, एरिया इज अ नथिंग, ये जस्ट अ कलेक्शन ऑफ राउटर। एरिया मीन्स हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ राउटर, कुछ होता नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ एरिया कोई बहुत बड़ा टर्म्स है। जहां पे भी कलेक्शन ऑफ राउटर होंगे वो हम उनको क्या कह सकते हैं, एक एरिया कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, मैंने कुछ राउटर्स ले लिए कई सारे, सबको क्या करती है एक दूसरे से अटैच करती है। ठीक है, ये मेरा राउटर 1 है, ये राउटर 2, ये राउटर 3 एंड राउटर नंबर 4। एंड राउटर नंबर 2 से कुछ यहाँ पे राउटर्स मेरे कनेक्ट है। तो जैसे मैंने बोला OSPF में क्या होता है, एरिया कॉन्सेप्ट होता है, मतलब OSPF एरिया पे काम करता है। तो मैंने क्या करा, मैंने इन सारे जितने भी मेरे कनेक्शंस ऑफ राउटर थे मैंने सबको एक एरिया में डाल दिया। एरिया का मैंने यहाँ पे नाम क्या ले लिया, एरिया 0, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी एरिया कहाँ से कहाँ तक बना सकते हैं, बट अभी के लिए क्या है, एक ही एरिया 0 में है। ठीक है तो देख देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम एरिया बनाते हैं तो सबसे पहले हम एरिया 0 हमें बनाना होगा। पता है कितने एरिया बना सकते हैं राउटर्स पे? 4 बिलियंस ऑफ एरिया बना सकते हैं एक राउटर पे अच्छा, हम, जितनी मतलब अपनी आईपीस थी उतने ही। यस उतने हम एरिया बना सकते हैं, 4 बिलियंस ऑफ एरिया बना सकते हैं, किस पे, एक सिंगल राउटर पे। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, एरिया 0। ठीक है एंड सारे राउटर्स को क्या करना होगा, हमें एरिया 0 में डालना होगा। एरिया 0 मींस, एरिया 0 को हम क्या कहते हैं, बैकबोन एरिया कहते हैं। विदाउट एरिया 0 वी कैन नॉट कंफिगर OSPF, हम नहीं कर सकते OSPF विदाउट एरिया 0। जैसे हमारे बॉडी में क्या एक बैकबोन होता है, वैसे ही ये क्या है, OSPF का एक बैकबोन है।
इसलिए एरिया जीरो को क्या बोलते हैं, बैकबोन एरिया कहते हैं। ठीक है, सो हमें पता है कि 4 billion एरिया हम बना सकते ओके हैं। सो मेरे पास कुछ इतने सारे मैंने राउटर्स लिए, लाइक यहाँ पे क्या है 200 राउटर्स हैं सपोज, तो मैंने यहाँ पे 200 राउटर्स लिए, तो इतने सारे मैंने सोचा कि क्यों ना इन सबको क्या करूं एक ही एरिया में डाल दूं। मैंने डाल दिया एरिया जीरो, ठीक है, इन सबको मैंने एक ही एरिया में डाल दिया और वो क्या है एरिया जीरो। अगर हम देखें, अगर मैं ऐसा एक एग्जांपल देखूं, जैसे मैं नोएडा में हूँ या दिल्ली में कहीं पे भी है, तो हम एक नोएडा के लिए एक पूरा एक मतलब पूरे टेरेस क्यों नहीं ले लिया, सेक्टर्स में क्यों उसको डिवाइड किया गया। अगर हम क्या करते हैं एक नोएडा कोई जगह थी और उसको बस एक टेरेस ले ले, तो उसी पे पर्सन रह रहे हैं, अपना सारा काम कर रहे हैं। उसको क्या किया गया, एक छोटे छोटे सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, एंड हर सेक्टर्स का अपना क्या है, एक अपना अलग मैनेजमेंट है, अपनी अलग चीजें हैं, है ना। जैसे सेक्टर 19 है, सेक्टर 18 है, 17 है, 16 है। अगर ऐसा हम नहीं करते तो प्रॉब्लम हो जाती। अगर ओके हम एक ही छत ले लेते और उसी पे क्या कहते हैं यहीं पे रहो आप सब, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती। तो हमने क्या करा है, एक बड़े एनवायरमेंट को स्मॉल एनवायरमेंट में डिवाइड किया गया है। मतलब हर सेक्टर का अपना क्या है, एक अलग पुलिस चौकी है, अलग एक मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, सारे राउटर को हमने एक एरिया में डाल दिया, सो विद इन एरिया ऑल द राउटर विल मेंटेन अ कॉमन डेटाबेस। तो हमने क्या करा, जैसे यहाँ पे क्लियर हो रहा है ये अभी तक का, तो हाँ हमने जी क्या करा है, मान लीजिए यहाँ पे 200 राउटर्स है, तो यहाँ पे कुछ हाई एंड के भी राउटर्स होंगे, कुछ लो एंड के भी राउटर होंगे, कुछ मीडियम एंड के भी राउटर होंगे। सो प्रॉब्लम क्या है, सबको एक एरिया में डालने का, अगर किसी भी राउटर पे हम कुछ भी चेंजेस हुआ तो क्या करेगा, सबको डिस्टर्ब करेगा। अगर आप एक छत पे रह रहे हैं नोएडा में, अगर आपको बस एक प्लेन छत दे दिया गया और बोला गया आप जितने भी नोएडा में रह रहे हैं सब यहीं पे रहो, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए तो सेक्टर्स में डिवाइड किया गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट को सच है, अगर राउटर टू पे क्या है कुछ भी चेंजेस हुआ तो वो क्या कर रहा है, सबको डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि वो क्या है एक एरिया में है, सब एक दूसरे से यहाँ पे अटैच है। तो कभी तो हम क्या करते हैं, बिग एनवायरमेंट के लिए एक एरिया नहीं बनाते हैं। जब भी हम एक बड़े एनवायरमेंट में काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पे हम एक एरिया नहीं बनाते हैं, हम मल्टीपल एरिया में क्या करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। और सबसे पहले हम कौन सा एरिया बनाते हैं, एरिया जीरो। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, अब मैं सबको क्या करूंगी कुछ एरिया में डिवाइड कर दूंगी। जैसे ये मैं इसको भी मुझे इरेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया, ये पोर्शन ऐसे मैंने एरिया जीरो ले लिया, जिसमें क्या है R1 भी है, R2 भी है, R3, R2 का R3 का ये इंटरफेस है, R4 में क्या है चार इंटरफेस है यहाँ पे, जिसमें से एक इंटरफेस एरिया जीरो में अटैच है, ठीक है, और बाकी जो है सपोज R2 का मैंने एक सेपरेट एरिया बना दिया, R3 का मैंने एक सेपरेट बना दिया, R4 का मैंने एक सेपरेट बना दिया। लाइक इसको मैंने डाल दिया एरिया, कुछ भी ले लीजिए एरिया 10 में, इसको मैंने ले लिया एरिया 20 में, और इसको मैंने ले लिया एरिया 30 में। क्लियर है यहां तक। तो मैंने क्या करा, एक बड़े एरिया को स्मॉल स्मॉल एरिया में डिवाइड कर दिया, और जो एरिया जीरो में है उसके कुछ R2, R3, R4 क्या है, कुछ एरिया 10 से भी अटैच है और कुछ एरिया जीरो से भी, और R3 में क्या है कुछ उसके इंटरफेस एरिया 20 में भी है और उसके कुछ इंटरफेस एरिया जीरो में भी है। जैसे मैंने बताया क्या, आप विदाउट एरिया जीरो आप OSPF में कुछ भी कंफिगर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखिए, अब कुछ क्या, अब एक यहाँ पे टर्म आता है क्या, ABR। ABR होता है एरिया बॉर्डर राउटर। ABR क्या होता है, जिसका एक इंटरफेस क्या होता है एक नॉर्मल एरिया, मतलब एक बैकबोन एरिया, मतलब एक एरिया जीरो में है,
तो यहाँ पे क्या है, R2 का एक इंटरफेस एरिया जीरो में है और रेस्ट उसका एरिया किसी और एरिया में है, मतलब एरिया जीरो में नहीं है। तो ऐसे राउटर को हम क्या कहते हैं, ABR कहते हैं। ठीक है, ABR ओके मीन्स एरिया बॉर्डर राउटर। एक ABR यहाँ पे इंटरफेस। कित एक इंटरफेस क्या है, एरिया जीरो में एडवर्टाइज होगा और उसके कुछ इंटरफेस एरिया मतलब दूसरे एरिया में होंगे, एरिया 10 में नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब किसी में भी हो सकता है, टेन किसी में में, भी है, ट्वेंटी में, थर्टी में। किसी हाँ में भी है, 4 billions of area किसी में भी है, बस जीरो में नहीं है। उसका ठीक है यहाँ पे R2 क्या है, उसका एक ओके इंटरफेस, R2 पे मैंने 4 interface यहाँ पे अटैच करा है, जिसमें से सपोज 0/0 कहाँ पे है, एरिया जीरो में है, और उसके कुछ इंटरफेस लाइक 1, 2, 3 ये कहाँ पे है, एरिया बाय टेन वन। में है। तो ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं, ABR, ओके एरिया बॉर्डर राउटर। तो यहाँ पे ओके और कौन से राउटर ABR बन सकते हैं, R3 R4। परफेक्ट। ठीक है, तो R3 भी क्या है, उसका एक एरिया एरिया जीरो में है और कुछ इसके एरिया 20 में है, कुछ उसके इंटरफेस। और R4 में भी क्या है, उसका एक इंटरफेस एरिया जीरो में है और कुछ इंटरफेस एरिया 20 में है। सो इफ अ राउटर इज हैविंग वन इंटरफेस इन नॉर्मल एरिया एंड एनी अदर इंटरफेस इन बैकबोन एरिया, सो इट विल ट्रीट एज अ ABR राउटर। क्लियर है ABR क्या होता है। ओके अब यहाँ पे क्या है, अगर हम मल्टीपल एरिया बनाना चाहते हैं तो मैंने क्या किया, मल्टीपल एरिया डिजाइन कर दिया यहाँ पे। अब एक चीज क्लियर कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑल एरिया मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद एरिया जीरो। ठीक है, आप जितने भी एरिया बनाना है बना लीजिए, बट क्या होना चाहिए, सारे एरिया जीरो से कनेक्ट होने चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 एरिया बना दिया और तीनों को एरिया जीरो से कनेक्ट कर दिया है। तो क्या है, ऑल एरिया मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद एरिया ओके जीरो। आपको जितने भी एरिया बनाना है बना लीजिए, बट सबको क्या करना पड़ेगा, एरिया जीरो से अटैच करके रखना पड़ेगा, क्योंकि एरिया जीरो क्या है, आपका बैकबोन एरिया है। अगर ओके एरिया जीरो ही नहीं रहेगा तो आप OSPF में कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, अगर ये जो एरिया 10 है इसकी इंफॉर्मेशन एरिया 20 में आना चाहता है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एरिया जीरो पे जाएगा और उसके बाद ही वो 20 में आएगा, इसलिए एरिया जीरो को हम ट्रांजिट एरिया भी कहते हैं। बैकबोन तो कहते ही हैं एंड ये क्या होता है, ट्रांजिट एरिया भी होता है। ठीक है, किसको कहते हैं, एरिया जीरो को, ये बैकबोन बैकबोन एरिया भी इसको कहते हैं एंड ट्रांजिट एरिया भी कहते हैं। क्लियर है, किसी को भी किसी से भी कम्युनिकेशन करना है तो वो पहले कहाँ जाएगा, एरिया जीरो पे जाएगा। क्लियर है, हेलो। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था, ABR का, जिसका एक इंटरफेस एरिया जीरो में है, एक इंटरफेस किसी भी एरिया में है, उस वैसे हम राउटर को क्या कहते हैं, ABR। तो यहाँ पे मेरे पास ओके 3 ABR है। अब यहाँ पे जैसे क्या है, ABR। यस, एक और यहाँ पे राउटर था, ठीक है, और यहाँ पे मैंने EIGRP कॉन्फ़िगर कर दिया। सपोज यहाँ क्या चल रहा था, OSPF, एंड इस राउटर को मैंने क्या करा, एरिया जीरो से ओके अटैच कर दिया, और यहाँ पे क्या चल रहा था, मैंने इनेबल कर दिया है EIGRP। ठीक है, अब क्या होता है, राउटर OSPF में एक और ऐसा राउटर होता है जिसका एक इंटरफेस किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल में होता है, जैसे रिप है, EIGRP है, BGP है। ठीक है, एक ऐसा इंटरफेस, इसका ये इंटरफेस क्या ओके है, किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल में है,
तो और एक एरिया कहाँ पे, सॉरी एक इंटरफेस क्या है, एरिया जीरो में है, मतलब OSPF में है, क्लियर जीरो है? में। हाँ यस yes. तो हम ऐसे राउटर को क्या कहते ठीक हैं, है, ASBR. सपोज ये मेरा राउटर नंबर 5 है और इस पे मैंने EIGRP इनेबल करके रखा है और इसका एक ओके इंटरफेस मैंने एरिया जीरो में करके रखा हुआ है और एक इंटरफेस पे EIGRP चल रहा है, तो मतलब एक डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है. तो ऐसे राउटर को हम क्या कहते हैं, ASBR. और ASBR का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ऑटोनॉमस सिस्टम बॉर्डर एरिया. ओ सॉरी, बॉर्डर राउटर एरिया. ठीक है, तो ASBR क्या होता है, के अलग प्रोटोकॉल चल रहा है और डायरेक्टली कनेक्टेड है एरिया जीरो से। जिसका एक इंटरफेस एक डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल पे है और एक उसका इंटरफेस एरिया जीरो मतलब एक OSPF में है. तो ऐसे राउटर को हम क्या कहते हैं, OSPF के टर्म। ASBR. और जिसका एक इंटरफेस OSPF ही चल रहा है बट एक इंटरफेस एरिया जीरो में है, मींस बैकबोन एरिया में है, और एक डिफरेंट एरिया में है, और उसको क्या कहते हैं, ABR. क्लियर है, ASBR है, ABR. अब मैं यहाँ पे काम करने जा रही हूँ किसी भी एक एरिया, लाइक एरिया 10, एरिया 20, एरिया 30, किसी भी एरिया पे मैं एक काम करने जा रही हूँ. तो मैं एक काम करती हूँ, इस डायग्राम को फिर से बना लेती हूँ, ठीक है? ये एरिया जीरो में है एंड यहाँ से कुछ राउटर्स कनेक्टेड थे मेरे. ठीक, ये किस एरिया में था, 10 में था, 20 में था, यही टोपोलॉजी अभी हमने बनाई थी, 30 में है. अब मैं सपोज काम करने जा रही हूँ एरिया नंबर 20 पे, मतलब मैं जिस भी एरिया 20 पे मैं जो भी काम करूंगी वही काम मुझे एरिया 10 पे भी करना है, एरिया 30 पे भी करना है. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे क्या है, मेरे पास जी ये जो 20 का जो एरिया है, यहाँ पे सपोज और भी कई सारे मेरे पास राउटर्स हैं, मतलब कई सारे राउटर इस पे कनेक्ट हैं. तो अब यहाँ पे मुझे हर एरिया के अंदर 3 टाइप्स के राउटर होते हैं, हर एरिया के अंदर 3 राउटर होते हैं. फर्स्ट क्या होता है, DR. सेकंड क्या होता है, BDR. एंड थर्ड क्या होता है, DR अदर्स. ठीक है, हर एरिया के अंदर, हर एरिया ऐसा नहीं है कि पूरे एरिया, एरिया जीरो में भी क्या होगा, 3 राउटर होंगे, एरिया 10 में भी 3 टाइप्स के राउटर होंगे, एरिया 20 में भी 3 टाइप्स के, और एरिया 30 में भी. अब यहाँ पे मैं एरिया 20 पे काम कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने सपोज कई सारे राउटर्स ले लिए हैं, कई सारे राउटर हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट हैं सारे. ठीक है, अब यहाँ पे सपोज 50 राउटर्स हैं, कितने हैं, 50 राउटर्स हैं यहाँ पे. 50 राउटर्स में से एक राउटर बनता है आपका क्या, DR. इसमें से कोई एक ऐसा राउटर होगा जो क्या बनेगा, डेजिग्नेटेड राउटर. क्लियर है, 50 में से आपका एक राउटर क्या बनेगा, DR बनेगा, और एक राउटर क्या बनेगा, BDR. BDR का फुल फॉर्म क्या होता है, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर. अब 50 में से एक बन गया DR, एक बन गया BDR. रेस्ट जो आपकी 48 राउटर्स हैं वो क्या बने आपकी, DR अदर्स. मतलब 48 राउटर्स आपके क्या बने, DR अदर्स. तो यानी यहाँ पे सपोज ये बन गया DR, ये बन गया BDR, तो रेस्ट आपकी क्या, ये सारे बने DR अदर्स. क्लियर है?
अब देखिए सिस्को के राउटर पे क्या होता है, ओएसपीएफ में कुछ प्रायोरिटी वैल्यू सेट होती है। अच्छा, उसके पहले हम देखते हैं कि ये डीआर बनता कैसे है। मतलब इन तीनों राउटर मेन तो ये दोनों राउटर है, डीआर एंड बीडीआर। डीआर एंड बीडीआर की बेनिफिट्स क्या है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, एरिया के अंदर डीआर कैसे बनता है एंड बीडीआर कैसे बनता है। देखिए अब जैसे क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए एरिया 20 में 50 राउटर्स थे, डीआर बन गया, बीडीआर बन गया, और 48 क्या बन गया, डीआर अदर्स बन गए। अब हर सिस्को राउटर पे क्या होता है, कुछ हर सिस्को राउटर के ओएसपीएफ में कुछ प्रायोरिटी वैल्यू होती है, और प्रायोरिटी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है, वन होती है। हर राउटर पे क्या है, एक प्रायोरिटी वैल्यू बाय डिफॉल्ट वन चल रही होती है। क्लियर है। अब देखिए ठीक इलेक्शंस, अब मैं क्या बताने जा रही हूँ, इलेक्शंस फॉर इलेक्शंस ऑफ डीआर मींस डेजिग्नेटेड राउटर। कैसे हम इलेक्शंस करेंगे, कैसे हम चूज करेंगे कि कौन सा राउटर मेरा डीआर बनेगा। अब बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू वन है। अब यहाँ पे क्या होता है, जिस राउटर की प्रायोरिटी वैल्यू हाई होती है, मींस सबसे पहले वो क्या देखेगा, हाई प्रायोरिटी वैल्यू। जिस राउटर की प्रायोरिटी वैल्यू हाई होगी वो क्या बनता है, डीआर। सो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट इलेक्शन प्रोसेस क्या है यहाँ पे, हाई प्रायोरिटी वैल्यू। क्लियर है। जिसकी जिस भी राउटर की प्रायोरिटी वैल्यू हाई होगी वो क्या मेरा बन जाएगा, डीआर बन जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास 50 राउटर्स थे, बट 50 की सबकी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्रायोरिटी वैल्यू क्या चल रही है, वन चल रही है। मतलब मैं प्रायोरिटी वैल्यू किसी का भी मैंने कुछ भी सेट नहीं किया, मतलब मैं भूल गई सेट करना। तो बाय डिफॉल्ट सारे राउटर्स पे क्या होगा, 50 राउटर्स पे प्रायोरिटी वैल्यू वन चलेगी जो बाय डिफॉल्ट होती है। सो इफ देयर इज अ टाई इन बिटवीन प्रायोरिटी वैल्यू, देन टाई ब्रेकर कौन होगा आपका, हाईएस्ट राउटर आईडी। अगर क्या हुआ, सब सारी 50 की प्रायोरिटी वैल्यू वन थी, मैं यहाँ पे किसी की भी चेंज नहीं करी, तो टाई ब्रेकर यहाँ पे कौन होगा, हाईएस्ट राउटर आईडी। मतलब अब देखा जाएगा जिस भी राउटर की राउटर आईडी हाईएस्ट होगी वो क्या बनेगा आपका, डीआर बनेगा। अब राउटर आईडी तो कभी टाई नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि वो तो यूनिक होता है, सबको सबकी अलग अलग होती है, सबकी अपनी एक राउटर आईडी होती है। क्लियर है। अब जो ओएसपीएम में जो डीआर बीडीआर इलेक्शन है वो, उसे हम कहते हैं क्या, नॉन प्रिमिटिव। ओएसपीएम में जो डीआर बीडीआर का इलेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव। मगर नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ये राउटर आपका क्या बना है, डीआर बना है। ठीक है, यहाँ पे मैं और क्लियरली बता देती हूँ। मैं ये सपोज ये दोनों राउटर हटा दे रही हूँ, थोड़ी स्पेस मुझे मिल जाएगी, बस मुझे काम करना है इस पे। ठीक है, 20 पे, एरिया 20। अब यहाँ पे क्या था, कुछ राउटर्स थे मेरे पास, सब एक दूसरे से अटैच थे। ठीक है, अब ये बन गया क्या मेरा डीआर। कैसे बना होगा, सबसे पहले या तो प्रायोरिटी वैल्यू मैंने जाके इस राउटर वन पे चेंज करी होगी, हाई करी होगी इसकी प्रायोरिटी वैल्यू, तब ये डीआर बना होगा। या अगर मैं इसकी प्रायोरिटी वैल्यू चेंज करना भूल गई, तो इसने क्या देखा होगा, इन 50 राउटर्स में सबसे हाईएस्ट राउटर आईडी क्या होगी, R1 की होगी, तो ये क्या बन गया होगा, डीआर बन गया होगा। ठीक है, अब बीडीआर क्या होता है, ठीक इसके नीचे का, मतलब एक बैकअप के लिए एक डेजिग्नेटेड राउटर रखते हैं हम। अब बैकअप मींस यहाँ पे क्या हो गया, जो बीडीआर डीआर बीडीआर जो मैंने बताया इलेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का मतलब ही यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये डीआर मेरा डाउन चला गया,
अब ये क्या बना होगा, बीटीआर पहले से बन के रखा होगा एक, अपना ये बैकअप लेके चल रहा होगा कि अगर मैं डाउन हुआ तो क्या होगा, ये बीटीआर क्या बन जाएगा, डीआर बन जाएगा, यही प्रोसेस ये लिख। और बाकी ये सब क्या है, डीआर अदर्स है, ये सारे डीआर अदर्स है, क्लियर है। तो नॉन प्रिमिटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर ये मेरा डीआर डाउन हो गया तो बीडीआर क्या बन जाता है, डीआर बन जाता है। और अगर इसके नीचे वाला क्या है, सपोज इसके नीचे वाला ये है, तो ये क्या बन गया, बीडीआर बन गया। अगर मेरा डेजिग्नेटेड राउटर डाउन चला गया तो मेरा बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर क्या बन जाएगा, तभी तो ये बैकअप के लिए इसको लेके रखा हुआ है कि तुरंत ये डीआर हो जाएगा। और इसके ठीक नीचे या तो प्रायोरिटी वैल्यू उसकी लो होगी, या तो क्या होगा, राउटर आईडी इसके सपोज वो अभी हम बाद में देखेंगे, अभी इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो ये क्या बन गया, बीडीआर आपका डीआर बन गया। और बीडीआर के नीचे वाला जो राउटर होगा, सपोज ये राउटर था, तो ये क्या बन, ये तो डीआर बन चुका है, तो ये अपने अपने नीचे वाले को क्या बना देगा, बीडीआर। उस इसके बैकअप के लिए कौन है, ये है राउटर नंबर सपोज 3। क्लियर है यहां तक, कोई ओके क्वेश्चन, कोई डाउट, क्योंकि ठीक ये है, थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें मतलब हमें कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना, ये ये सब ऑटोमेटिक डीडीआर अगर प्रोसेस डाउन हो, डीआर अगर नहीं, डाउन हो गया तो हाँ ये हम डीआर अगर डाउन हो गया तो जो डीआर है वो अपने आप डीआर बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि वो किस लिए, बैकअप के लिए है उसके। अभी हम देखेंगे, हम मैनुअली भी हम चाहते हैं कि नहीं, ये जो ओके डीआर बना है ये मत बने, मेरा मन है ये वाला राउटर डीआर बने, तो हम बना सकते हैं। अभी हम वो सारी चीजें लैब में देखेंगे, ओके ठीक है। अभी यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर ठीक है, है। चलिए, क्योंकि क्लियर है। मैं बहुत स्लो समझा रही हूँ जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए, इसलिए। तो ये डीआर डाउन चला गया तो बीडीआर डीआर बन गया। अब इसके ठीक नीचे वाला कोई राउटर होगा, वो क्या बना देगा, अपने को बीडीआर बन जाएगा। तो डीआर वो बीडीआर, यस। अब बन सपोज क्या हुआ, कुछ 10 मिनट्स के बाद ये जो मेरा डीआर था जो डाउन जा चुका था, ये क्या हो गया, अप आ गया। अब क्या हो सकता है, अब ये अप आ गया तो क्या ये जो बीडीआर डीआर बना दो हुआ डीआर हो था गया, डीआर, अब ये डीआर हो जाएगा तो ये क्या फिर वो बीडीआर परफॉर्म दोबारा। करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अब ये अप आ गया तो अब ये इंस्टेंट डीआर बन गया, नहीं। जो करेंटली आपका ये चल रहा है ना, ओके आपका डीआर, करेंट डीआर कौन सा है, ये डीआर है अभी, ये तो डाउन गया हुआ था, अब अप आ गया या डाउन हो उससे मतलब नहीं है, अब भी आ गया तो कोई इशू नहीं है, वो डीआर नहीं बन सकता है। जब तक आपका करंट डीआर डाउन नहीं ओके होगा, देखिए अगर आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपका ओके ये करंट डीआर है, अगर ये क्या हो गया डाउन चला गया, तब आपका ये डीआर क्या बन सकता है, बीडीआर बन सकता है। और जब तक बीडीआर ये डाउन होगा, ये बीडीआर होगा, देन क्या होगा, उसके बाद पूरा फिर डीआर के लिए इलेक्शन प्रोसेस होगा। अगर फिर उसमें देखेगा इसकी प्रायोरिटी वैल्यू हाई है, इसकी राउटर आईडी हाई है, तब ये क्या बनेगा, डीआर बन सकता है। ऐसा नहीं है कि ये डाउन गया तो अगर कुछ टाइम के बाद इंस्टेंट अप आ गया तो ये वापस ही डीआर बन जाएगा, नहीं। क्या होगा, पुराना वाला ही डीआर, मतलब जो करेंटली जो डीआर है वही डीआर रहेगा। और फिर से अगर इलेक्शन प्रोसेस होगा, फिर वो देखे, अगर जब तक ये नहीं डाउन जाएगा करेंट डीआर, तब तक क्या होगा, ये कुछ भी नहीं बन सकता है। और जैसे ये डाउन गया, देन डीआर के इलेक्शन प्रोसेस होगा सारे राउटर्स के बीच में, कि किसकी प्रायोरिटी वैल्यू हाई है, किसकी राउटर आईडी हाई है। अगर देखा कि चलो तुम्हारी सब चीजें सही है, चलो अब तुमको मैं बनाता हूँ क्या, डीआर, और ठीक इसके नीचे वाला क्या बन जाएगा, बीडीआर बन जाएगा। क्लियर है डीआर बीडीआर का कॉन्सेप्ट, डीडीआर डीआर ठीक मीन्स है। डेजिग्नेटेड राउटर, बीडीआर मीन्स बैकअप डेजिंग, एक बैकअप लेके चलता है कि अगर मैं डाउन चला गया तो तुम तुरंत क्या बन जाना, डीआर बन जाना। और ये होता है क्या, डेट इज कॉल्ड डीआर बीडीआर ओके इलेक्शन, एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव। इस पूरे टेक्निक को हम क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव।
क्लियर है। इसमें क्या होता है, अगर डीआर डाउन गया तो बीडीआर क्या बन जाएगा, डीआर बन जाएगा, और उसके ठीक नीचे वाला राउटर बीडीआर बन गया। अब ये अगर डीआर अब भी आ गया तो कोई डीआर मतलब बन गया। नहीं है, ठीक है। जब तक आपका करंट डीआर डाउन नहीं जाएगा तब तक, अगर ये अप भी आ चुका है उससे कोई मतलब नहीं है, वापस इलेक्शन होगा डीआर के लिए, तब देखिएगा इस राउटर की सारी चीजें सही हैं, तो चलो तब इसको डीआर बना देते हैं। क्लियर है? क्योंकि क्या होगा, अब इतने सारे जो राउटर्स हैं क्लियर। यहाँ पे, अब यहाँ पे कितने हमने राउटर लिए थे, 50 राउटर्स लिए थे। अब इसमें से कुछ ऐसे राउटर्स भी होंगे जिनका रैम कम होगा, जो 1800 सीरीज के राउटर होंगे, कोई लो इंड का भी राउटर, ऐसा नहीं है ना कि सारे हाई इंड के ही राउटर होंगे, अलग अलग राउटर होंगे, कोई हाई इंड का होगा, कोई लो इंड का राउटर होगा। क्लियर है? तो अगर कोई डीआर डाउन हुआ तो इलेक्शन प्रोसेस चलेगा डीआर के लिए। अगर मान लीजिए ये जो डीआर बना हुआ था, सपोज यहाँ पे कोई दूसरा डीआर बन गया, अब ये क्या था, एक लो इंड का राउटर था। अब जब पूरी जब इलेक्शन प्रोसेस जब चलेगी तो इसकी इसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्यों, क्योंकि ये तो लो इंड की राउटर है, ये इसकी तो बैंड बच जाएगी। तो आप चाहेंगे ना कि कुछ ऐसा बढ़िया राउटर हो जो पूरा बैकअप अच्छा देता हो, जिसका रैम सीपीयू सब चीज एकदम ए ग्रेड का हो, वही बने डीआर जो कभी डाउन ना जाए। अब आपने इसे डीआर बना दिया, ठीक ये तो लो इंड की राउटर थी, इसलिए क्या होता है, हर बार डीआर के लिए एक इलेक्शन प्रोसेस होता है। तो मैं चाहती हूँ क्या, सपोज ये लो इंड का राउटर क्या बन गया, डीआर बन गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये डीआर ना बने, यार ये तो लो इंड का राउटर है, इसकी तो कभी भी बैंड बच जाएगी, तो कभी भी ये क्या होगा, डाउन चला जाएगा। ऑलरेडी ये लो इंड है, ज्यादा पता चला, ज्यादा इस पे जितनी कॉन्फ़िगरेशन है चीजें वो सपोर्ट ही नहीं कर पाया। तो क्या होता है यहाँ पे, अगर आप, अगर आपके 50 नेटवर्क के राउटर पे क्या है, ये लो इंड का राउटर, आप इसको डीआर नहीं बनाना चाहते हैं, क्या है यहाँ पे, इसको आप डीआर नहीं, आप चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए ये लो इंड का राउटर, नहीं ये बनाना। 1800 का राउटर था यार, ये डीआर किसी भी कीमत पे ना बने, क्योंकि अगर ये गलती से भी बन गया तो क्या होगा, पूरी बैंड बजा देगा नेटवर्क का, बार बार ये डाउन चला जाएगा, बार बार इलेक्शन प्रोसेस होंगे, बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो क्या आपको करना है, इस डीआर की आप प्रायोरिटी वैल्यू 0 सेट कर दीजिए। आप मैनुअली जाइए और क्या करिए, जिस भी राउटर को आप डीआर या बीडीआर नहीं बनाना चाहते हैं उसको क्या करिए, उसकी प्रायोरिटी वैल्यू 0 सेट कर दीजिए, तो वो कभी भी डीआर एंड बीडीआर का रोल नहीं निभा पाएगा, हमेशा वो क्या बनेगा, डीआर अदर्स में रहेगा वो। तो क्योंकि क्या है, यहाँ पे हाई प्रायोरिटी वैल्यू है, एंड प्रायोरिटी ठीक है। वैल्यू हम 0 में ना क्या हो जाएगा, सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वैल्यू हो जाएगा, जीरो ही कर दें। बिल्कुल। तो आप इसको जाके 0 कर देंगे तो ये फिर कभी भी डीआर या बीडीआर नहीं बन पाएगा। क्लियर है डीआर एंड बीडीआर का प्रोसेस एंड एरिया का कॉन्सेप्ट? कोई भी सिंगल डाउट तो ठीक है। बताइए, क्योंकि अब यहाँ पे क्या था, और नहीं इसको क्लियर है। हम इसको चेंज कैसे करते हैं, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी, इसकी प्रायोरिटी चेंज होती है। आप इसको कमांड यहाँ पे क्या चलेगा देखिए, सबसे पहले मुझे, आप जिस भी सपोज राउटर नंबर 1 था ये, तो राउटर नंबर 1 पे आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके, आप जिस भी राउटर पे ये इंटरफेस पे होगा, इंटरफेस सपोज फास्ट इथरनेट 0/0 है, ठीक है, इसके अंदर आपकी कमांड चलती है आईपी ओएसपीएफ प्रायोरिटी, ये कमांड है प्रॉपर। अब आपको यहाँ पे क्या है, प्रायोरिटी 0 कर देनी है, फिर ये क्या होगा, कभी भी डीआर एंड बीडीआर नहीं बन पाएगा, क्योंकि क्या है, इलेक्शन क्या हो रहा है, हायर हो रहा है, और ये क्या है, बिल्कुल लोएस्ट है। क्लियर है डीआर बीडीआर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे? अभी हम पूरा इसको लैब से देखेंगे तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से ठीक है जी। क्लियर हो जाएगा। थ्योरी में कोई डाउट? चले नेक्स्ट। क्लियर है। चलिए अब जो नेक्स्ट, जो मेरे जो की पॉइंट्स है ओएसपीएफ में, वो क्या है, ओएसपीएफ का कुछ नेटवर्क टाइप,
अब यहाँ पे देखिए, ओएसपीएम में किस टाइप के नेटवर्क्स टाइप होते हैं? तो सबसे पहला क्या होता है यहाँ पे, पॉइंट टू पॉइंट। पहला नेटवर्क कैसा बनता है? पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, इसको हम पी टू पी भी कहते हैं। और ये किस पे काम करता है? सीरियल लिंक पे काम करता है। जब भी हम अपने राउटर्स के बीच में क्या अटैच करेंगे, सीरियल केबल यूज करेंगे, तो वहां पे आपका ओएसपीएम में नेटवर्क कैसा बनेगा? पॉइंट टू पॉइंट बनेगा। क्लियर है? एंड सेकेंड होता है क्या? ब्रॉडकास्ट ओके मल्टीपल एक्सेस। इसको हम क्या कहते हैं? बी एम ए। और ये किस पे काम करता है? आपकी ईथर लिंक पे करता है, जो हम लोग यूज करते हैं, फास्ट इथरनेट, इथरनेट, गिग इथरनेट। तो ये जब भी हम क्या करेंगे, दो राउटर के बीच में हम इथरनेट लिंक लगाएंगे, तो वहां पे क्या काम करता है? बीएम में। एंड थर्ड क्या होता है? एनबीएमए मींस नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, ये कहाँ पे होता था? ये एक फ्रेम रिले टेक्नोलॉजी है। ये जब ओल्ड टेक्नोलॉजी है फ्रेम रिले, जब फ्रेम रिले चलती थी उस पे कुछ ऐसा नेटवर्क बनता था एनबीएम में। अब ये नहीं चलता है, ये ओल्ड टेक, एटीएम, फ्रेम रिले, ये सब क्या थी? बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी। अब तो सीरियल लिंक भी उतना नहीं चलता, ठीक है, बट किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन पे रन करते हैं सीरियल लिंक। अब जो फोर्थ आता है वो क्या है? पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। ये कुछ डीप है ओएसपीएफ में, जल्दी ये सी सेने में नहीं बताते, बट कोई नहीं। ठीक है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट्स मींस यहाँ पे क्या है, आप एक स्विच से जो आप बहुत सारे राउटर अटैच करते हैं, वो क्या है? पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क है वहां पे। ठीक है, देन आता है आपका कुछ लूप बैक नेटवर्क। मैंने लूप बैक बनाना सिखाया था, लूप बैक का भी एक अपना एक नेटवर्क चलता है। देन आता है आपका क्या, कुछ एक्स्ट्रा वर्चुअल, वर्चुअल का भी एक नेटवर्क होता है। सो ये क्या थे? ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप। अब अगर हम इसका कुछ लैप करके देखें, पॉइंट टू पॉइंट, जैसे पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है, यहाँ पे डीआर एंड बीडीआर का कुछ भी इलेक्शन नहीं होता है, मतलब कोई प्रोसेस नहीं है इस पे, कुछ भी नहीं। कोई राउटर आपका ना डीआर बनेगा ना बीडीआर बनेगा। तो एक बार इसका छोटा सा लैप करके देखें कि क्या सच में ऐसा हो रहा ओके है। चलिए तो मैं ओपन कर लेती हूँ ठीक है जीएनएस। इसको हटा दूं, एंड ये जो है आपका बीएम में ब्रॉडकास्ट मल्टीपल एक्सेस, ये तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या होगा? डीआर एंड बीडीआर, क्योंकि ये एक इथरनेट लिंक पे काम कर रहा है, तो बीआर एंड बीडीआर का प्रोसेस होगा यहाँ पे। और फ्रेम रिले क्या है? ओल्ड टेक्नोलॉजी है। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, लूप बैक, वर्चुअल, ये सब क्या है? कुछ एक्स्ट्रा है। तो हमें मेन यहाँ पे देखना है पॉइंट टू पॉइंट, ये तो बस एक प्रूफ के लिए है, अदरवाइज हमें मेन बीएम में पे फोकस करना है। ठीक है, चले चलिए, ओके एक हम सीरियल लिंक अब देख भी लीजिए कि सीरियल लिंक हम अटैच कैसे करते हैं, क्योंकि अभी तक हम सारे इथरनेट लिंक पे काम कर रहे थे, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। अब आप एक राउटर ले लीजिए, ये एक और राउटर ले लीजिए, दो राउटर पे हमें वर्क करना है। अब मुझे यहाँ पे क्या लगा, अभी तक हम क्या करते थे, यहाँ पे केबल पे जाते थे और सारे फास्ट इथरनेट केबल यहाँ पे थे, लेके बस अटैच, यहाँ पे ये सारे, यहाँ का सीरियल लिखा हुआ रहा नहीं आ रहा है। ठीक है, बट मुझे क्या लेना है? सीरियल लेना है। तो राइट क्लिक करके आप कॉन्फ़िगर पे ठीक जाइए, एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है राउटर जिस भी सीरीज का है आपका, देन आपको जाना है यहाँ पे स्लॉट्स पे। ठीक है, अब ओके स्लॉट वन पे आप 4T सेलेक्ट कर लीजिए। अभी उस पे क्या सेलेक्ट है? फास्ट इथरनेट। ठीक है, हमें सेलेक्ट करना है 4T, फास्ट अप्लाई इथर कर। ओके यस, मैंने बस स्लॉट वन में करा है, टू में नहीं करा है। ठीक है, क्योंकि मुझे बस, मैं अभी दो ही राउटर ले रही हूँ। अब सेम प्रोसेस इस पे भी ओके कर लेते हैं, इसमें जाके स्लॉट्स में जाके, और स्लॉट वन में
40 सेलेक्ट कर लेते हैं, अप्लाई करके ओके कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे केबल पे जाएंगे तो देखिए अब आपके पास क्या है, कुछ सीरियल्स लिंक भी आ गए। ओके तो मैंने देखिए सीरियलिंग में मैंने आ गए। बताया ऐसे होता है। अब आपको किससे अटैच करना, अब आप इसको फास्ट ईथरनेट से करेंगे तो तुरंत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सीरियल पॉइंट टू पॉइंट होता है, वो सीरियल से ही अटैच हुआ। हो गया सीरियल वन को, 1/0 को मैंने सीरियल ओके 1/0 से, देखिए पोर्ट नंबर भी इसके आ गए। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, जीएनएस पे काम कर रहे हैं तो अपने राउटर को ऑन करना है। अब यहाँ पे मैं कोई एक सॉरी 12.0 का नेटवर्क चला देती हूँ। चलिए आईपी दे दे, राउटर को ऑन तो कर लिया था। ठीक है राउटर ऑन भी हो गया। इस पे 12.1 देना है और इस पे क्या देना है, एक लूपबैक भी बना लेते हैं। ठीक है यहाँ पे एक लूपबैक बना ट्वेल्व लेते डॉट हैं। टू यस 1.12.1 यहाँ पे मैंने बना दिया 2.2.2। चलिए मेरा R1 ओपन हो गया। अगर आप मान लीजिए आप कई सारे राउटर अटैच कर रहे हैं, सब राउटर्स को एक साथ ऑन करना चाहते हैं, ठीक है तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है इससे क्या होगा, देखिए अभी तो मैंने दो ही राउटर लिया है, एक R1 हो गया और एक R2 हो गया, एक साथ ये क्या होंगे ओपन हो आटू जाएंगे। हम्म। तो मुझे वर्क करना है R2 पे R1 पे पहले। चलिए क्या कमांड होती है, मुझे क्या लेना है, इनेबल कर दिया पहले, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, फास्ट सीरियल लिंक ईथरनेट, लेना है, इथरनेट नहीं सीरियल लेना है। ठीक है सीरियल, ओके। हमने किससे अटैच करा है, सीरियल से अटैच इसमें भी करा है, 1/0 आ रहा है इसमें भी। बिल्कुल 1/0। ठीक है रुकिए मैं R2 यहाँ से हटा देती हूँ, कंफ्यूजन ओके करेगा। ठीक है क्या मैंने लिया सीरियल 1/0। अब सेम प्रोसेस है जैसे हम आईपी देते थे। ठीक है टेन ओके डॉट वन डॉट ट्वेल्व डॉट वन दे आईपी दिया। एड्रेस ठीक है 10.1 सबनेट 0 ओके ठीक है हम्म। आ गया आपका चेंज स्टेट टू अप। ओके इंटरफेस अभी बस चेक कर लें डू शो आईपी यूजर इंटरफेस। 0 हाँ अभी हमें एक और तो करना है, परफेक्ट। ठीक है इंटरफेस लुकअप 0 आईपी एड्रेस 1.1.1.1 फिर सबनेट मास्क एंड नो शटडाउन नहीं चलेगा एग्जिट एंड देन डू शो आईपी इंटरफेस 3। इससे क्या होता है हम अपने इंटरफेस की आईपी देख चेक करते हैं। तो अब ये कहाँ आ रहा है, फास्ट इथरनेट पे नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने किस पे ओके लिया है सीरियल पे लिया है, सीरियल 1/0 एंड एक सीरियल पे आ लूपबैक रहा हमने एडवर्टाइज करा है। ठीक है अब इसी तरह हम R2 पे भी कर ठीक है लेते हैं। अब इस पे हम्म। हमें OSP अभी रन करना होगा, तो इसी पे हम OSP अब रन करने की कमांड भी देख लेंगे कि हम OSP जैसे EIGRP रिप डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल हमने ओके कॉन्फ़िगर करा था उसी तरह हम ये भी कर देंगे। ठीक है तो इंटरफेस सीरियल 1/0 आईपी एड्रेस 10.1.12.2 ले लिया हमने, नो शटडाउन एक्सिट इंटरफेस लूपबैक आईपी एड्रेस 2.2.2.2 एंड एक्सिट। अब इसको हम पिंग ठीक करके देख लेते हैं, डू पिंग किसको करना है 10.1.12.1 आ रहा है, डायरेक्टली कनेक्टेड है को ठीक पिंग, यस 1 नहीं पिंग होगा क्यों, चलिए है देख लेते लूप हैं। बैक होगी तो ठीक लूपबैक पिंग नहीं होगा ठीक है, क्योंकि क्या है एक है वो अभी डायरेक्टली कनेक्टेड कुछ नहीं होता भी है। परफेक्ट मतलब प्रोटोकॉल नहीं लगाया कुछ हम्म। आंसर। ठीक है तो हमें क्या करना है, रिप EIGRP तो हम देख चुके हैं, हम क्या स्टडी कर रहे हैं OSPF। OSPF क्या होता है, लिंक OSPF स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होता है। इस पे जो भी मेरी फॉरवर्डिंग होगी वो क्या होती है, लिंक के बैंडविड्थ ओके पे होती है। और रिप क्या होता था, वो एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, वहां पे जो भी मेरी डेटा की फॉरवर्डिंग होती थी वो डिस्टेंस के बेस पे ठीक है होती थी। ठीक है
और EIGRP क्या होता है, ठीक एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, मींस वो एट डिस्टेंस पे भी काम करता है और वो मतलब होप काउंट पे भी काम करेगा और वो लिंक पे भी काम करेगा, और OSPF क्या होता है, बस लिंक पे काम करता है। ठीक क्लियर है? चलिए अब मुझे यहाँ पे क्या करना है है, अब मैं OSPF इनेबल करने जा रही हूँ, तो कमांड भी हम यहाँ से देख लेते हैं हम कैसे इनेबल करते हैं। सबसे पहले सेम हमें कहाँ जाना है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल सेम है जैसे हम करते थे, राउटर ओ, आपको शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करिए तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, आपके पास कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, रिप हमने कर लिया, EIGRP हमने कर लिया, अब हमें क्या करना है, OSPF करना है। ठीक है, OSPF, अब देखिए OSPF आप क्वेश्चन मार्क करेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस आईडी मांग रहा है। प्रोसेस आईडी क्या होता है, जैसे कि मतलब ये OSPF को प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे हम कुछ आईडी डालते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो सकता ओके है, 1 से लेके 65535 तक आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मतलब ये जरूरी नहीं है कि सारे राउटर पे सेम ही हो, क्योंकि यहाँ पे क्या चलता है, एरिया का कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, एरिया आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए जिस एरिया ओके में वो आपका राउटर है। तो अगर हम यहाँ जैसे हम EIGRP में क्या ऑटोनोमस सिस्टम नंबर का एक कॉन्सेप्ट था, वैसे ही OSPF में प्रोसेस आईडी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैं 5 ले लेती हूँ, ओके ठीक प्रोसेस आईडी राउटर OSPF देन प्रोसेस आईडी 5। क्लियर है यहां तक? चलिए अब नेक्स्ट, वही जैसे हम नेटवर्क है एडवर्टाइज करते थे, याद है 10.1.12. पूरा फुल नेटवर्क एंड देन डिफॉल्ट वाइल्ड कार्ड मास्क देते थे ऐसे ही, ओके यहां तक तो एजीआरपी की EIGRP तक तरह ही है सेम मतलब ठीक परफेक्ट। है बस हमें क्या डिफाइन करना है, एरिया। आप शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करेंगे, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क करा है, तो ओके यहाँ पे क्या आया है, एरिया, सेट द OSPF एरिया आईडी। अब ओके सपोज के लिए अभी क्या है, एक ये मैं पूरे एक सिंगल एरिया में डाली हुई हूँ इसको सपोज, क्योंकि अभी तो हम ऐसे, अभी तो बस मैं एक पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ, अभी तो हम मेन अपना लैब बाद में करेंगे। सपोज ये क्या है, मेरा एक सिंगल एरिया है, एरिया 0। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, राउटर 1 को भी एरिया ओके 0 में एडवर्टाइज करूंगी, राउटर 2 को भी मैं एक एरिया 0 में करूंगी, और लूपबैक्स को भी मैं कहाँ करूंगी, एरिया 0 में करूंगी। क्लियर है? क्योंकि एक ही मेरा स्मॉल नेटवर्क है, ठीक वहां पे मैं है एक एरिया दे सकती हूँ, बट बड़े एनवायरमेंट के लिए क्या है, मैं एक एरिया नहीं बना सकते हैं। तो चलिए मुझे क्या देना है यहाँ पे, एरिया 0 जो ओके मेरा बैकबोन एरिया है। अब एक और आपका नेटवर्क है क्या, लूपबैक वाइड कार्ड मास्क, और ये भी क्या है, अभी के लिए एरिया 0 में है। ठीक है, एक्सेप्ट। हो गया आपका ठीक OSPF इनेबल। कैसे हम चेक करते थे, डू शो IP रूट से। रूट अच्छा ये तो रूट्स आ गए, डू शो IP प्रोटो, डू शो IP प्रोटोकॉल कमांड चलती थी प्रोटोकॉल देखने के लिए। यहाँ पे क्या है, OSPF 5। अब देखिए यहाँ पे कुछ उसने अपना एक राउटर आईडी चूज किया हुआ है, मैंने बताया था लोड बैलेंसिंग कहाँ तक कर सकता है, मैक्सिमम 4 पाथ तक OSPF। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ आपकी राउटिंग फॉर नेटवर्क, कुछ ये अभी अभी जो हमने करा था एरिया 0 में, ये रहा एरिया 0 में, मतलब दोनों एक सेम एरिया में था तो दोनों को सेम एरिया में डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका कुछ 1 डिस्टेंस 110 आ रहा है, 110 मेरा क्या है, एडी वैल्यू। अगर आपको याद होगा 3 टाइप्स की एडी वैल्यू मैंने OSP में बताई थी, इंट्रा एरिया, इंटर एरिया एंड एक्सटर्नल एरिया। और तीनों एरिया की एडी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है 110, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या ले रहा है, 110 सेम 110 110। तो हमसे अगर कोई पूछेगा कि OSPF का ठीक एरिया, सॉरी एरिया कह रही हूँ, एडी वैल्यू क्या है, तो 110 है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है?
चलिए अब यही प्रोसेस हमें राउटर नंबर ठीक टू पे भी कर लेना है, क्योंकि जब तक हम कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चलाएंगे तब तक मेरे कोई भी क्या होगा डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। तो क्या कमांड थी, राउटर रूट्स नहीं आएंगे। ओएसपीएफ एंड प्रोसेस आईडी। सो आप कुछ भी ले सकते हैं, वन भी ले लिया, टू भी ले लिया, कुछ भी चेंज ये हो सकता है, बट एरिया आपको नहीं चेंज कर सकते हैं। और ई आई जी आर पी में अच्छा एरिया सेम ऑटोनॉमस, रहना चाहिए। बिल्कुल एरिया ठीक जिसमें भी आप एरिया सपोज राउटर नंबर है हाँ, फाइव है वो एरिया एस टेन नंबर था है, EIGRP। हाँ वहां पे ए एस नंबर है, वो क्या होना चाहिए, मस्ट मैच होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, प्रोसेस आईडी डिफरेंट भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ठीक है, तो अगेन सेम प्रोसेस, नेटवर्क ठीक 10.1.12.0 वाइड कार्ड मास्क 255 एंड देन एरिया 0। बस यहाँ पे एक एरिया 0 का कमांड बढ़ जाता है, बाकी सब आपका सेम है लाइक EIGRP। एक और मुझे क्या देना है, 2.2.2 एंड उसका वाइड कार्ड मास्क एरिया 0। चलिए चेक कर लेते हैं, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ से। ठीक है, सीरियल पे हमने एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एंड डू शो आईपी रूट कमांड चेक कर लेते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड अभी आ रहा। देखिए सी से क्या आ रूट रहा है, सी से, और ओ से क्या आ रहा है, ये देखिए ओ एस पी ई एफ। कनेक्टेड है वो OSPF। हमने अभी क्या चलाया है, एक ओ एस पी एफ कंफिगर करा है, और हम राउटर नंबर टू पे हैं। यहाँ से ठीक देखिए है। राउटर नंबर टू, तो मुझे क्या आ रही है, वन की रूट आ रही है वाया किसके, 12.1 के। ठीक है, वन के ठीक यहाँ यस, है। अब यहाँ पे अगर हम पिंग करके देखेंगे वन को तो क्या होना चाहिए, पिंग हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि अब हमने एक राउटिंग ठीक प्रोटोकॉल चला दिया है। क्लियर है, अब यहाँ पे हम है। किस चीज का लैब कर रहे थे, पॉइंट टू पॉइंट लैब, क्योंकि हमने बीच में एक सीरियल लिंक ऐड करा हुआ था। तो मेरा मेन मोटो इसका लैब कराने का ये था कि हम डीआर बन रहा है या बीडीआर बन रहा है ये दिखाने का। तो देखिए डीआर बीडीआर का कमांड आप कैसे देखेंगे, ओके शो आईपी ओएसपीएफ नेवर कमांड। अब देखिए नेवर से क्या आएगा, आपके ओके नेवर की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। नेवर टेबल में क्या मेंटेन होता है, आपके जितनी भी डायरेक्टली कनेक्टेड है उसकी सारी इंफॉर्मेशन। तो अभी क्या है यहाँ पे, बस R1 से R2 कनेक्ट है, R2 से R1 कनेक्ट, यानी अभी मैं R2 पे हूँ तो नेवर आईडी क्या आ रही है मेरे पास, 1 की आ रही है। अब प्रियोरिटी अभी क्या है, 0 है। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे मुझे मेन ये स्टेट दिखाना था, स्टेट में क्या लिख रहा है, 7 स्टेट याद है आपको एसपीएफ के, हेलो वही थे ना डाउन इन ए टू ए। यस। उसी में सबसे लास्ट स्टेज क्या था, फुल था, फुल में क्या हो रहा था, वो दोनों फुल एक यस, हाँ दोनों राउटर आपस में फुली कन्वर्ज हो चुके थे, तब मेरा स्टेट मुझे क्या दिख रहा था, फुल दिख रहा था। तो मैंने बताया था राउटर ओके में, अगर राउटर पे अगर आपको आपका स्टेट फुल दिखता है तो वो क्या है, दोनों राउटर के बीच में सारी प्रोसेस 7 स्टेज प्रोसेस हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे डैश है, यहाँ पे कोई डीआर नहीं ओके है, कोई बीडीआर नहीं है। ठीक है, तो इट मींस क्या है, आपके सीरियल लिंक पे कोई डीआर बीडीआर का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब उसी तरह हम यहाँ पे देख लेते हैं, राउटर नंबर 1 पे देख लेते हैं, क्या ओके कमांड चलेगी, शो आईपी ओएसपीएफ नेवर कमांड आ रहा है यहाँ पे। अभी हम जब इथरलिंक पे करेंगे तो इस फुल के आगे या तो डी आर अदर लिखा हुआ आएगा, या तो डी आर लिखा हुआ आएगा, या तो बी डी आर लिखा हुआ आएगा। क्लियर है, तो पॉइंट टू पॉइंट सीरियल लिंक पे कभी भी डी आर बी डी आर ठीक का है। कॉन्सेप्ट नहीं होता है। देखिए राउटर 1 पे आपको नेवर किसकी आ रही है, 2 की आ रही है, यहाँ पे कुछ डेड टाइम है, टाइमर है, ये सब बताऊंगी अभी आगे। गुड नाइट भैया। ठीक है, क्लियर है, चलिए। तो ये हमने देखा ठीक है। क्या, पॉइंट टू पॉइंट का लैब, इसमें कोई डाउट, ओके क्लियर है। चलिए अब हम क्या देखते हैं, एक ईथरनेट का जो बीएमए मैंने बताया, सेकेंड नेटवर्क टाइम जो बीएमए था उसका एक लैब देख लेते हैं। तो
उसका लैब हम पैकेट ट्रेसर पे देख लेते हैं। इस लैब में कोई डाउट तो नहीं थी? अभी तो बिल्कुल सिंपल सा था, बस एक इस सीन है। ये क्लियर हो गया। चलिए सेकंड चलते हैं हम, बीएमए का क्लियर करते हैं, ठीक है? और ये क्या आ रहा है नेक्स्ट? तो अच्छा ये रहा। लैब करना स्टार्ट करिए, अदरवाइज अब हम ओएसपीए पे चले गए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। अब जितनी प्रैक्टिस हो उतनी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब क्या एंड है रिप, हम। रिप तक हो गई है मेरी। रिप का जो V1 और V2 दोनों ऐड करके वो एक कमांड चलानी थी ना, वो तो ये आपने बहुत सेंड पहले बी और कर रिसीव लिया बी, था, V1 से भी V2 से भी। वो रिप तो आपने बहुत दिन पहले करा था। वहीं अभी वहीं पे रुका हुआ हूँ, नहीं, रुकिए मत ना। चलिए आज आपको मिल गया ना। वही दिक्कत है, वहीं पे रुका पड़ा हूँ। नहीं, वहां पे रुकने से हाँ काम नहीं होगा ना, आगे भी चलिए। बहुत सारे लैबे भी तो छोटे, देखिए ये तो एक तरीके का सीरियल लिंक का तो मैंने ऐसे ही बता दिया, ये कोई लैब थोड़ी है। बट क्या है, चीजें हमें आनी चाहिए। क्या होता है ना, कभी भी किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अब क्या होगा कि मेरा तो ट्रेनर बताया ही नहीं चीज, यही हम बोलते हैं ना सीधे, यार ये तो मेरे सर ने मुझे बताया ही नहीं। इसलिए कोई भी चीज स्किप मत करिए। चलिए यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है, एक स्विच से एक लैन अपना बना लिया है, तो एक मैंने स्विच कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक ही आईपी में क्या दूंगी, सब जगह दूंगी। अब सपोज यहाँ पे मेरी आईपी क्या चल रही है, 10.0 का नेटवर्क चल रहा है, तो 10.1 मैं यहाँ दे दूंगी। यहाँ दे देती हूँ 10.1, इसको दे देती हूँ 10.2, इसको दे देती हूँ 10.3, इसको दे दिया 10.4, ठीक है? सारे क्या चल रहा है, /24 चल रहा है। अब चलिए सबको आईपी दे दे, ठीक है? router 1 पे चलते हैं, CLI। ये सब प्रोसेस तो हमें पता ही है, इनेबल करना है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। अब पहले मैं इंटरफेस यहाँ से ऑन कर लेती हूँ। अच्छा इसमें ऑलरेडी इंटरफेस है, ठीक ऑन है है? मैम। हाँ एक्चुअली मैंने अभी जो इसके पहले करा था ना, वो ओल्ड सिस्को पैकेट रिसर था, तो मैंने इसको अभी इंस्टॉल करा है, तो इसमें ऑलरेडी सब चीजें हैं। चलिए तो सबसे पहले मैं इस राउटर का क्या करती हूँ, उसमें होस्ट हम नेम। ऑन भी करते हैं, जब बंद कर देते हैं हाँ दोबारा तो से हट ऑन जाता करना है, पड़ता है। बिल्कुल वही। नहीं मुझे लग रहा मैंने गलती से कोई और नहीं सिस्को पैकेट रेसर, पहले मैं इसी पे करती थी, इसी पे सारी चीजें, तभी तो मैं कंफ्यूज हो गई कि ये बार बार चला क्यों जा रहा है। फिर मैंने कहा मैंने ना कुछ और इंस्टॉल कर लिया है, तो आज मैंने अच्छा। देखा तो क्या हुआ, आज एक क्लास में एक कमांड चलती है, वो कमांड मैं हमेशा बताती हूँ और वो हमेशा रन करता है, बट आज की क्लास में वो रन ही नहीं कर रहा था, मुझे समझ ही नहीं आया। अच्छा तभी मैंने वापस से सिस्को पैकेट रेसर अनइंस्टॉल करा, फिर इंस्टॉल करा, तो फिर मैंने ये वाला इंस्टॉल करा, इसमें क्या हुआ, वो कमांड रन हो गया। तो फिर तब मुझे ओके। समझ आया वर्जन वर्जन की भी प्रॉब्लम है, वो कुछ ओल्ड वर्जन होगा वो सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है? तो होस्टनेम मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया है R1। अब मैं सबको सेम अपना जो हम प्रोसेस करते हैं आईपी दे देते हैं, 192.168.10.1.255.255.0, शटडाउन, ठीक है? यहाँ पे अब मैं साथ ही में क्या कर रही हूँ, ओएसपीएफ भी इनेबल करते चल रही हूँ। इस तरह क्या होगा, router 1 का सारा प्रोसेस खत्म, फिर router 2 ठीक पे है, चलेंगे, ठीक है? अब देखिए कैसे हम कर रहे थे, राउटर पूरा हो ओएस, जाएगा। यस ठीक पूरा है, हो जाएगा। राउटर OSPF। OSPF 5 यहाँ पे लेंगे प्रोसेस आईडी, ठीक है? कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, रेंज क्या है प्रोसेस आईडी की, 1 से 65535 तक।
मैंने ले लिया 5 एंड देन यहाँ पे मेरा नेटवर्क क्या है 192.168.10 एक ही नेटवर्क चल रहा है, वाइल्ड कार्ड मास्क दे देंगे। अब सपोज ये क्या है, अभी सेम एरिया में है, एरिया 0 में है। ठीक ठीक है, ये मेरा क्या था, एरिया 0 में है। एंटर एग्जिट हो गया मेरा। कैसे हम चेक करेंगे, डू शो आईपी ओएसपीएफ, सॉरी डू शो आईपी रूट पहले चेक कर लेते हैं। मेरा रूट क्या है, अभी कुछ भी नहीं है, बस एक डायरेक्टली कनेक्टेड की इंफॉर्मेशन आ रही है मेरे पास, क्लियर है। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। मैंने अपने अप आ गया मेरा मैनो स्टेटस प्रोटोकॉल। अब मैंने क्या चलाया था, प्रोटोकॉल भी रन कर चुकी हूँ, तो देख लेते हैं। डू शो आईपी प्रोटोकॉल चल रहा है मेरा OSPF 5, सारी मेरी इंफॉर्मेशन आ रही है, यानी सब डन है। ओएसपीएफ इसपे चलते हैं राउटर नंबर 2 पे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट देख लेते हैं कौन सा है, सब पे 0/0 चल रहा है, ठीक है। 0/0 आईपी एड्रेस 192.168.10.2 इसको दे देते हैं। नो शटडाउन एक्सिट, होस्टनेम पहले मैं चेंज कर दूं, क्या रखना है, R2 रख देते हैं। एंड देन अब मैं क्या करने जा रही हूँ, राउटर इनेबल करने, ठीक है। राउटर OSPF प्रोसेस ठीक है ओएसपीएफ आईडी, देन ये क्या है, अभी एरिया 0 नेटवर्क में है। वाइल्ड कार्ड एरिया 0 नेटवर्क के बाद जो हम नेटवर्क चल रहा है वो एडवर्टाइज करेंगे एंड उसका वाइल्ड कार्ड देंगे, एंड देन जिस एरिया में है वो एरिया डिसाइड वाइल्ड कार्ड करेंगे, मास्क ठीक है। ठीक चलिए एरिया 0 दे दिया, इसका भी काम खत्म, बस चेक कर लेते हैं। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ दे दिया, डू शो आईपी प्रोटोकॉल चल रहा है है, ओके यस। डू शो ओके आईपी रूट, रूट भी मेरा बस अभी एक सिंगल आ रहा है कनेक्टेड। चलिए राउटर नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है नो करना है सबसे पहले तो। कंफिगर इंटरफेस सारे मेरे क्या है, 0/0 है, आईपी एड्रेस 192.168.10.3 देना है मुझे, विद सबनेट मास्क, शटडाउन एक्सिट। अब क्या देना था मुझे, पहले मैं होस्टनेम चेंज कर लूँ R3, एंड देन राउटर OSPF 5 नेटवर्क 192.168.10.0, फिर क्या देंगे उसका, वाइट कार्ड मास्क देंगे। अभी के लिए वो क्या है, ये सेम एरिया में है। एक्सेस चेक कर लें, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ हो गया। डू शो आईपी प्रोटोकॉल चल रहा है, क्लियर है। फिर एक ठीक बार चेक कर लें, डू शो आईपी रूट कमांड आ रही है मेरी, बस एक सिंगल इससे। अब चलते हैं लास्ट राउटर नंबर 4 पे, इनेबल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 192.168.10.4 देना था। एक्सिट हो गया। राउटर OSPF प्रोसेस ID 5 नेटवर्क एडवर्टाइज कर दूं 10.0, क्या हो गया, मास्टर कहां से ऐड हो गया,
ये क्या हो रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। अब यहाँ पे क्या देंगे, उसका वाइल्ड कार्ड मास्क देंगे। लास्ट अपना डू शो आईपी इंटरफेस लीव आ गया, डू शो आईपी प्रोटोकॉल, डू शो आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल मेरा ओएसपीएफ यहाँ चल रहा है, और एक और मुझे क्या चेक करना है, डू शो आईपी रूट कमांड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने सब पे अब पिंग करके देख लेते हैं राउटर वन। पिंग करेगा ही करेगा, क्यों करेगा, क्यों करेगा, कर रहा है, आ रहा है 80%, ठीक है। प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल इनेबल हो या ना इनेबल हो, सारे क्या है डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। अगर मैं प्रोटोकॉल यहाँ इनेबल नहीं भी कर, क्या एक स्विच से है, पर यहाँ पे मैं एक ही नेटवर्क को यूज कर रही हूँ सब पे। अच्छा, तो ये सारे क्या है, सारे आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए क्या है यहाँ पे, अगर मैं ओएसपी अब नहीं भी चलाती तो भी यहाँ पे सारे आपस में पिंग करते। चले अब हम क्या देख रहे हैं, डीआर एंड बीडीआर। सो हम राउटर नंबर वन पे क्या देखेंगे, सबसे पहले तो कमांड यहाँ पे चलेगा शो आईपी ओएसपीएफ, देन देखिए आप इसके आगे इसका डेटाबेस भी चेक कर सकते हैं, इंटरफेस भी चेक कर सकते हैं, नेवर टेबल भी चेक कर सकते हैं। तो पहले हम नेवर टेबल चेक कर रहे हैं, देखिए आ रहा है बीडीआर डीआर एंड डीआर अदर्स, क्लियर है। बट यहाँ पे क्या बना है, राउटर नंबर थ्री बना है डीआर। राउटर नंबर थ्री डीआर कैसे बन सकता है जब हमने राउटर नंबर फोर को 10.4 दिया है ना, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 10.4 मे बी अभी वो कन्वर्ट होने में टाइम ले। यहाँ पे देख लेते हैं डू शो आईपी ओएसपीएफ नेवर कमांड, यहाँ पे क्या है राउटर नंबर थ्री बना है क्या डीआर। अभी देखिए ये क्या है टू वे स्टेट में है, अभी ये फुली कन्वर्ज नहीं हुआ है, क्या है देखिए यहाँ पे रिलेशन बनता है। मैं आपको एक और चीज इसमें बता दूं, एक सेकंड, अगर अब रिलेशन देखिए यहाँ पे क्या है, अगर डीआर है और अगर आपको फुल लिखा हुआ है तो कैसा रिलेशन बनेगा, वहां पे डीआर एंड बीडीआर का रिलेशन बनेगा। ओके अगर यहाँ पे क्या है फुल है तो यहाँ पे क्या बन रहा है डीआर, अगर फुल है तो यहाँ पे या तो डीआर होगा या तो बीडीआर होगा, बट यहाँ पे क्या है टू वे है एंड यस या तो डीआर वो बना होगा या तो वो बीडीआर बना होगा, ठीक है। बट अगर क्या बनता है डीआर अदर्स है और डीआर अदर्स में क्या रिलेशन बनेगा, टू वे का, टू वे याद है ओनली नेवर रिलेशनशिप बनता है। टू वे में क्या होता था, नेवर रिलेशनशिप आती थी, बस हम एक दूसरे को जान पाते थे कि हाँ तुम राउटर नंबर वन हो और तुम कौन हो, राउटर नंबर टू हो। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है। ओके ये क्या है, यहाँ पे मैं किस राउटर पे हूँ देख लेते हैं, मैं राउटर नंबर फोर पे हूँ, उसका मैंने होस्ट नेम ले लिया था। राउटर नंबर फोर पे क्या है, उसके तीन नेबर बने हुए हैं। नेबर टेबल में क्या है, तीन नेबर स्टोर है, यहाँ पे तीन नेबर मेंटेन कर रहा है, 10.3 10.1 और 10.2। अब 10.3 क्या है डीआर बना हुआ है और 10.2 क्या बना हुआ है बीडीआर बना हुआ है, और 10.4 पे तो हम हैं ही, 10.1 क्या है डीआर अदर्स बना हुआ है, यानी 10.1 ना तो डीआर बना है ना तो बीडीआर बना है। और डीआर अदर एंड डीआर अदर्स में कैसा रिलेशन होता है, टू वे का रिलेशन होता है, बस वो एक दूसरे की
दूसरे को जानते हैं, बस एक नेबर रिलेशनशिप वहां पे फॉर्म होती है। क्लियर है? तो चलिए और ठीक भी है। हम राउटर्स पे चेक करते हैं। राउटर नंबर 1 पे ये क्या बना था, यहाँ पे भी चेक कर लीजिए। डीआर कौन बना है? तो डीआर मेरा कौन बना है? राउटर नंबर 3 बना। अब यहाँ पे देख रहे हैं कुछ PRI लिखा हुआ है ये, और सबकी प्रायोरिटी वैल्यू क्या सेट है? वन प्रायोरिटी वन वन सेट है। बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू क्या होती है? वन होती है। अब ये जो राउटर नंबर 3 जो बना हुआ है डीआर, मैं चाहती हूँ ये कुछ मेरे लो एंड का राउटर है, मैं इसे डीआर बनाना नहीं चाहती हूँ। मैं क्या चाहती हूँ, ये डीआर ना बने, कुछ भी बन जाए, बस डीआर वीडीआर एक्ट इसका रोल ना प्ले करे ये डीआर का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना है। राउटर नंबर 3 देखो, पहले ये डीआर बना है, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। डू शो आईपी ओएसपीएफ नेवर, ठीक है। इट मींस राउटर नंबर 2 वीडीआर बना हुआ है, 1 डीआर अदर्स है, 4 डीआर अदर्स है। देख रहे हैं अभी ये एक्चुअली कन्वर्स हो रहा है, तो यहाँ पे एक मैं कमांड चला सकती हूँ क्या, क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कह रहा है, या तो देखिए थोड़ा OSPF का कन्वर्जेंस टाइम बहुत स्लो है, मतलब थोड़ा स्लो है, थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपका स्टेट फुल आ गया, बट कभी कभी क्या होता है, स्टेट आपका फुल नहीं आया होता है, इनिट में है, टू वे में है, तो वो फुल आने में 7 स्टेज अब तक पूरा प्रोसेस नहीं करेगा, तब तो फुल पे वो कैसे आएगा? डायरेक्ट तो फुल पे आएगा नहीं, पहले वो कहाँ जाएगा? सबसे वो डाउन पे जाएगा, देन इनिट पे जाएगा, देन कहाँ जाता है, टू वे पे जाएगा, एक्स स्टार्ट एक्सचेंज लोडिंग, देन वो आएगा कहाँ पे, फुल पे। तो मुझे एक बार इसका, अब मैं इसको बार बार अपने राउटर को पूरी पूरा रीलोड पूरा रिस्टार्ट तो नहीं कर सकती ना, क्योंकि मैं जो भी कॉन्फ़िगरेशन की रहूंगी सारी क्या हो जाएंगी मेरी, डिलीट हो जाएंगी। तो यहाँ इस कमांड से क्या होता है, क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। तो एक बार ये कमांड चलाने से क्या होता है कि कन्वर्जेंस टाइम थोड़ा हल्का सा फास्ट हो जाता है। तो ये वही कह रहा है, रीसेट ऑल ओएसपीएफ, बस मैं ओएसपीएफ के प्रोसेस को मैं बस रीसेट, मैं पूरे राउटर को रीसेट नहीं कर रही हूँ, बस मैं ओएसपीएफ के प्रोसेस को रीसेट कर रही हूँ, ठीक है। तो यस मैं करना चाहती हूँ। अब एक बार और कमांड चेक कर लेते हैं, ये आ गया क्या, लोडिंग, पहले लोडिंग पे था, लोडिंग से अब फुल पे आ गया। क्लियर है? देखिए आपको स्टेटस यहीं से मिल जाएगा। लोडिंग मींस क्या है, स्टेज नंबर 6 से है और 7 पे आ गया है, अभी भी आ रहा है ये, देखिए लोडिंग फुल, लोडिंग से फुल पे आ रहा है। तो अब एक बार और चला लेते हैं, शो आईपी ओएसपीएफ, ओ सॉरी नेबर कमांड, ठीक है। अब देखिए अब आ गया ये अपना प्रॉपर स्टेटस पे। अब दूसरे पे चल के देख लेते हैं, शो आईपी ओएसपीएफ। तो डीआर क्या बना है, राउटर नंबर 3। इस पे भी एक बार मैं क्लियर आईपी वाली चला देती हूँ, क्लियर आईपी प्रो, क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। यस मैं एक बार सब पे चला देती हूँ, ठीक है। इस पे तो मैंने चला दिया था, राउटर नंबर 2 पे भी चला देती हूँ। क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब चलते हैं राउटर नंबर 1 पे, शो आईपी ओएसपीएफ नेवर कमांड में। तो ठीक है ये बना है मेरा डीआर। अब देख रहे हैं ये पहले क्या है, टू वे स्टेट में है, अभी धीरे धीरे किस में आएगा, फुल में आएगा। क्लियर? अब मैं चाहती हूँ ये जो मेरा राउटर नंबर 3 पे चलते हैं, राउटर नंबर 3 मेरा क्या बना हुआ है, डीआर बना हुआ है।
OSP या और आप कैसे देखेंगे कौन सा राउटर DR बना है BDR, इस कमांड से आप देखेंगे। ठीक है, क्लियर बिल्कुल है? सर। तो यहाँ पे कहीं पे भी DR लिखा हुआ नहीं आ रहा है, और ये कौन सा है, राउटर नंबर 3 है। और इसके नेबर कौन है, 2 है, 4 है और 1 है, यानी राउटर नंबर 3 क्या बना हुआ है, DR बना हुआ है। तो मैं चाहती हूँ राउटर नंबर 3 DR ना बने, यार खुद बनाओ ठीक है? तभी तो ये तो उसके ना नेबर का बनाओ। आ रहा है ना, ओके। फॉर्म नेबर रिलेशनशिप का स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी सब पे 1 चल रही है, अभी हमने कोई भी चेंजेस नहीं करा है। मैं यहाँ पे अब आपको सिखाने जा रही हूँ क्या हम प्रायोरिटी नहीं वैल्यू कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, इंटर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है हमें, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, जो भी यहाँ पे चल रहा होगा क्या, जो भी आपका इथरनेट चल रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कमांड होती है IP OSPF। अब शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करेंगे तो देखिए लास्ट, सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, राउटर प्रायोरिटी। ठीक है, तो आपको क्या लेना है, प्रायोरिटी एंड शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करेंगे तो कहां से कहां तक आप कर सकते हैं, 0 से 255। तो मुझे क्या करना है कि हाँ, बाय डिफॉल्ट उसकी प्रायोरिटी वैल्यू 1 चल रही है, और हमेशा जीरो DR अगर हायर वन प्रायोरिटी रहती वैल्यू है। है, यस बाय डिफॉल्ट 1 होती है, और जब भी हाई DR इलेक्शन प्रोसेस क्या है, हायर प्रायोरिटी वैल्यू। तो अब सपोज मैं इसको क्या दे देती हूँ, 150 कर देती हूँ, 1 से हाई कर देती हूँ। ठीक है, बट ये तो ऑलरेडी DR बना हुआ है ना, इसकी प्रायोरिटी वैल्यू मैं रहने देती हूँ, मैं किसी इसकी चेंज कर देती हूँ। मैं चाहती हूँ राउटर नंबर 1 DR बने, तो एक बार चेक कर लेते हैं ये क्या बना हुआ है, राउटर नंबर 2। ठीक है, 3 यहाँ पे DR बना है। ठीक है, मैं राउटर नंबर 1 को DR बनाना चाहती हूँ, वो हमने गलती से राउटर नंबर 3 को ही DR बनाने जा रहे थे, जो ऑलरेडी DR बना हुआ था। तो कमांड यहाँ पे क्या है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे हम, और जो भी आपका इंटरफेस चल रहा है फास्ट इथरनेट 0/0 कैसे देखेंगे यहाँ से। ठीक है, चल रहा है 0/0, सब पे 0/0 ही चल रहा है, इसलिए मुझे याद था 0/0 चल रहा है। अब मुझे यहां से इसकी प्रायोरिटी वैल्यू चेंज करनी है, तो कमांड होती है IPOSPF प्रायोरिटी वैल्यू, कमांड ही प्रॉपर होती है प्रायोरिटी। अब शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आप प्रायोरिटी कहां से कहां तक ले सकते हैं, 0 से 255। अब बाय डिफॉल्ट सब पे चल रहा है, चारों राउटर पे 1, अगर मैं राउटर नंबर 1 की प्रायोरिटी वैल्यू सपोज 150 कर देती हूँ, हाई कर देती हूँ, तो ये क्या हो, मेरे अकॉर्डिंग ये DR बनना चाहिए, क्योंकि ये क्या चूज करेगा, हाई प्रायोरिटी वैल्यू। ठीक है, अभी वो DR किसके बेस पे दे रहा है, अभी वो राउटर ID के बेस पे दे रहा है, क्यों, क्योंकि सबकी तो प्रायोरिटी वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेम थी, और सेम है तो टाई ब्रेकर कौन बनेगा, आपका राउटर ID। क्लियर है? राउटर आईडी। यस, तो चलिए हो गया मेरा क्या, एक्सिट कर दिया हमने। अब यहीं से आप कुछ और कमांड भी देख सकते हैं क्या, जैसे डेड इंटरवल टाइम, मैंने ये सब बताया था, डेड इंटरवल टाइम, होल्ड टाइम, अगर आपको चेंज करना है तो यहीं से आप कर सकते हैं, इंटरफेस में क्या कमांड होती है उसकी भी, IPOSPF शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करिए तो देखिए डेड इंटरवल एंड हेलो इंटरवल। अगर आपको अपने OSPF में टाइमर चेंज करना है, बाय डिफॉल्ट डेड क्या होता है और हेलो क्या होता है, मैंने बताया है क्या होता है, बताइए, आपने कहीं नोट डाउन करा है? हेलो अपना वही टाइमर रहता है ना उसका। हाँ, क्या होता है बाय डिफॉल्ट हेलो टाइमर, पैकेट सेंड करता है बार बार। मैं टाइमर पूछ रही हूँ, हेलो एंड डेट का टाइमर मैंने क्या बताया आपको OSPF में, अभी बता रहे थे। हाँ देख के बताइए मुझे, कोई इशू नहीं है। हेलो टाइमर अपना 10 सेकंड का है इसमें OSPF में। और डेड टाइमर है 40 सेकेंड का, ठीक है, 10 एंड 40, 40 सेकंड होल्ड टाइमर। हाँ जी यस, होल्ड या डेड टाइमर मैंने लिखा होगा वहां पे। ठीक
ठीक है। अब मैं अगर आपको क्या करना है, कुछ हमने हेलो इंटरवल टाइमर पे चेंज करना है, मतलब आप 10 है बाय डिफॉल्ट, आप उसको क्या चेंज कर सकते हैं, ज्यादा भी दे सकते हैं। यहाँ पे कमांड क्या होती है, हेलो इंटरवल टाइमर चेंज करने की। शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करेंगे तो देखिए आप कितनी ले सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 6 5 5 3 5 सेकेंड तक। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 10 सेकेंड होती है, और हम कहाँ तक ले सकते हैं, इसके रेंज में आप कोई भी टाइमर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट हर, सपोज यहाँ पे आपने चूज कर लिया है क्या, 30 सेकेंड। अब हर 30 सेकेंड पे वो क्या करेगा कि हेलो सेकंड पैकेट सेंड करेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको 5 चूज कर लीजिए, 1 से लेके 6 5 5 3 5 के बीच में आप कोई भी रेंज यूज कर सकते हैं। सपोज मैंने 5 चूज कर लिया, ठीक है, अब आप ठीक इसको है। एग्जिट कर दीजिए। इसी तरह आप यहाँ से डेड टाइमर भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जल्दी होल्ड, मतलब 40 सेकेंड तो बाय डिफॉल्ट है, 40 सेकेंड में कुछ और, मतलब जल्दी से चला जाए मेरा सारा, जो भी मेरी एंट्री होगी फ्लश हो जाए, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। क्या कमांड होती है, आपको हमेशा इंटरफेस मोड में जाके चेंज करना होगा। जिस भी राउटर का आप टाइमिंग चेंज करना चाहते हैं उसके कहाँ जाएंगे, इंटरफेस मोड पे जाएंगे, एंड देन यहाँ पे क्या चलेगा, IPOSPF डेड इंटरवल टाइमर। डेड इंटरवल का भी क्या है, सेम है रेंज, आप कुछ भी ले लीजिए, 40 बाय डिफॉल्ट होता है, 50 ले लीजिए, ठीक है, एग्जिट। अब यहाँ पे क्लियर है यहाँ पे। अब चलिए अब हम देखते हैं हम डीआर का कॉन्सेप्ट क्या, ठीक ये दो एडिशनल था, ठीक है, डेड एंड हेलो टाइमर चेंज करने का यहीं पे होता है, इसलिए मैंने इसी में बता दिया आपको। अब हम क्या चेक करेंगे, एग्जिट कर दिए, शो IPOSPF नेबर कमांड में, कोई नेबर अभी इसकी नहीं आई, अभी आ जाएगी। तो एक बार मैं क्लियर IPOSPF प्रोसेस कर देती हूँ, यस सब पे कर देते हैं, अभी कुछ भी नहीं आया, देख रहे हैं अभी कोई रोड्स नहीं आई है। क्लियर IP, बार बार ये कमांड आपको चलाना पड़ेगा क्योंकि इसका कन्वर्जेंस टाइम क्या होता है, स्लो होता है। OSPF प्रोसेस, यस ठीक है, शो IPOSPF नेबर कमांड। अभी भी देखिए आपका राउटर नंबर 3 ही क्या बना हुआ है, DR बना हुआ है, अब ये आ जाएगा, वो थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। हमने राउटर नंबर 1 को बनाया था, अगर आप इसको रियल डिवाइस पे करेंगे तो आ जाएगा ये तुरंत, इस पे थोड़ा टाइम लेगा। देख रहे हैं आप, यहाँ से स्टेटस भी देखते रहिए क्या आ रहा है, अभी लोडिंग पे गया है, ठीक है, अब लोडिंग से ये कहाँ आ गया है, फुल पे आ गया है। IPOSPF नेवर कमांड, लोडिंग टू फुल। अभी भी देखिए पहले क्या था, राउटर नंबर, देखिए अब ये क्या बन गया, राउटर नंबर 3 DR बना हुआ था, अब राउटर नंबर 3 क्या बन गया है, BDR बन चुका है, और राउटर नंबर 2 BDR बना था, और ये क्या बन गया है, मतलब अभी प्रोसेस हो रहा है धीरे धीरे, अभी राउटर नंबर 1 क्या होगा, DR बन जाएगा। अभी इस पे कोई रूट नहीं आई, अभी आएगी धीरे से। IPOSPF यहाँ पे तो स्टेटस दिखा रहा है अभी यहाँ पे, लेकिन राउटर नंबर 4 क्या है, DR ही बना हुआ है, अभी राउटर नंबर 1 DR नहीं बना है। तो यहाँ पे भी एक बार मैं क्या करती हूँ, क्लियर IPOSPF प्रोसेस कमांड चला देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको आ रहा है लोडिंग, देख रहे हैं अभी लोडिंग से धीरे धीरे ये फुल में जा रहा है, आपको यहीं पे स्टेटस भी दिखता रहेगा, डाउन शो IPOSPF नेबर कमांड, अभी भी ये DR में है।
इसको डीआर बना दिया है क्या? हमने तो इसको डीआर बनाया था ना। अच्छा प्योरिटी वैल्यू चेक कर लेते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा अभी तक। एक सेकंड, हमने राउटर नंबर 4 को तो नीला बना दिया है। नहीं, यहाँ पे प्रायोरिटी वैल्यू भी तो चेंज होगी ना, यहाँ पे तो 1 है और अभी क्या है, अभी राउटर नंबर 1 के पास कोई भी रूट नहीं आई वन वन आ है। रही है यहाँ पे तो। हाँ, और वहां पे क्या आनी चाहिए फिर? अगर गलती से अगर हमने राउटर नंबर 4 को डीआर बनाया होता तो वहां पे प्रायोरिटी वैल्यू उसकी चेंज हो गई होती। तो क्लियर आईपी ओएसपी प्रोसेस यही कर सकते हैं। अभी भी नहीं आई है, थोड़ा स्लो होता है, वेट करना होता है, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि कमांड हमारी वही है जो मैंने बताया है आपको। ठीक है, कमांड आप वही करेंगे तो सारी चीजें आ जाएंगी। अब देखिए, एक ये बहुत अच्छा कमांड है, एक सिंगल लाइन की कमांड में आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी इसकी 150 आ चुकी है, मतलब अब ये क्या है, प्रोसेस में है। चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, शो आईपी ओके ओएसपीएफ, ये इंटरफेस की डिटेल्स है। ठीक है, 0/0 के डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए एक सिंगल लाइन में यहाँ पे क्या आ गया आपका, मतलब एक सिंगल कमांड से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई कि आप फास्ट इंटरनेट, आपका लाइन प्रोटोकॉल दोनों क्या है, अप है। ठीक है, आपको जाके शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड भी नहीं देखना है, यहीं से आपको पता चल रहा है क्या, दोनों जो आता है ना प्रोटोकॉल एंड स्टेटस दोनों अप रहता है। एंड यहाँ पे आपने क्या चलाई है, आईपी वो आ गया, किस एरिया में है वो आ गया, प्रोसेस आईडी आपकी क्या है, राउटर आईडी क्या है, नेटवर्क टाइप क्या चल रहा है, देखिए यहाँ पे शो कर रहा है बीएम में ब्रॉडकास्ट। क्लियर है? नहीं रही आपकी। हेलो हेलो जी नहीं साइमन, मैम, जैसे शेयर कर रहे थे आपकी आ रही। क्या मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही है? चलिए, तो हम ये कहाँ थे, इस पे थे। अब आपको प्रोसेस आईडी, राउटर आईडी, नेटवर्क यहाँ पे दिख रहा है, नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट मतलब बीएम में आपका ओएसपीएम में नेटवर्क टाइप कैसा, हमने यहाँ पे इथरनेट लिंक अटैच करा है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, बीएम में। एंड कॉस्ट कुछ उसकी वैल्यू आई होगी, कुछ निकाला होगा राउटर अपना 1, एंड यहाँ पे ट्रांसमिट डिले 1 सेकेंड। स्टेट आपका देखिए डीआर बन चुका है, देख रहे हैं स्टेट क्या दिख रहा है आपका, डीआर दिख रहा है। और प्रायोरिटी वैल्यू भी जो हमने सेट की थी वो आ चुकी है, मतलब यहाँ पे तो मुझे दिख गया डीआर, बट अभी कमांड में नहीं शो कर रहा है, कमांड में भी आ जाएगा। यहाँ से तो क्लियर है स्टेट और प्रायोरिटी वैल्यू क्या है, मतलब ये आपका राउटर नंबर 1 हम R1 पे है ना, यहाँ से आप देखिए हम R1 पे है, तो राउटर नंबर 1 जिसे हम DR बनाना चाह रहे थे वो बन चुका है। और डेजिग्नेटेड राउटर की आईडी क्या बन है, गया। 10.1। ठीक है, और ये इंटरफेस एड्रेस है। अब यहाँ पे देखिए आपने कुछ टाइमर, हेलो ओके का हेलो इंटरवल टाइमर आपने कुछ अभी अभी चेंज किया था, 5 किया था, बाय डिफॉल्ट तो 10 होती है बट हमने 5 किया था और 10:40 होती है, हमने क्या किया था, 50 किया था। तो आप अपने टाइमर कहाँ से देख सकते हैं, ओके इस प्रोटोकॉल से, शो आईपी इंटरफेस इथरनेट ब्रीफ, जो भी आपका फास्ट इथरनेट चल रहा है 0/0, ठीक है, उसमें आपका टाइमर दिखता है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ओके कि टाइमर किस कमांड से आप ओएसपीएम में देखेंगे, तो क्लियर है। और जितना आपका यहाँ पे डेड टाइमर होगा उतना ही आपका यहाँ पे वेट टाइमर होगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे कुछ हेलो ड्यू टाइमर यहाँ पे शो कर रहा है, ये कुछ एडवांस सारी चीजें हैं। तो और बाकी स्टेट हमारे यहाँ पे क्या है, डीआर बन चुका है, प्रायोरिटी वैल्यू 150 हम सेट कर चुके हैं। एंड यहाँ पे ब्रॉडकास्ट दिखा रहा है आपका क्या, नेटवर्क टाइम, यानी हम क्या यूज कर रहे हैं, बीएम में यहाँ पे नेटवर्क टाइप आ रहा है। क्लियर है?
चलिए अब एक बार और हम क्या देख सकते हैं, बट अभी तक यहाँ पे नहीं आई है मेरी कोई भी रूट, देख रहे हैं कुछ भी नहीं शो कर रहा है, थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पे आ जाएगा। बाकी हमें इस कमांड से तो क्लियर हो गया ना कि ये क्या बन चुका है, डीआर बन चुका है। ये थोड़ा सा इस पे करने पे सॉफ्टवेयर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, देखा है काफी टाइम ले लिया, बट हमारा क्या है स्टेटस हमें शो हो रहा है कि वो क्या बन चुका है, डीआर बन चुका है। क्लियर है? तो हम जिसे भी डीआर बनाना चाहते हैं हम क्या करेंगे, सिंपली हम उसकी प्रायोरिटी वैल्यू जाके वहां पे हाई कर देंगे, या तो हम सही उसकी करते राउटर हैं। आईडी हाई कर देंगे। अब एक लास्ट चीज आज के लिए हम देख लेते हैं, बाकी राउटर आईडी एंड लास्ट हम उसका, इसमें तो कोई डाउट नहीं था आपको इस लैब में? नहीं देखिए क्लियर है, क्लियर है। एक बार और यहाँ पे देख लेते हैं क्या स्टेटस दिखा रहा है। अभी भी यहाँ पे DRE4 दिखा रहा है, बट राउटर नंबर 1 पे उस कमांड में आपका स्टेटस क्या दिखा रहा है, राउटर नंबर 1 बन चुका है क्या? फिर से देख लेते हैं, राउटर नंबर 1 क्या कमांड मैंने चलाई थी, शो आईपी इंटर शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आ रहा है यहाँ पे, वो आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, 5-10 मिनट आ जाएगा। ठीक है, स्टेट आपका DR दिखा रहा है एंड प्रायोरिटी 0 बिल्कुल दिखा रही है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है, क्लियर। और एक कमांड और चलती है, शो आईपी ओएसपीएम डेटाबेस, डेटाबेस भी अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ अभी वो कमांड ही नहीं आई है ना, इसलिए उसका डेटा भी कुछ नहीं शो कर रहा। शो आईपी ओएसपीएम डेटाबेस, ओ सॉरी, देखिए इन सब पे आपका डेटाबेस आ रहा है। मैंने कुछ LSA बताया था, राउटर लिंक स्टेट LSA 1 क्या होता है, किसकी इंफॉर्मेशन देता है वो, राउटर्स की। यहाँ पे आपका 2 LSA आ रहा है, पहला क्या आ रहा है LSA 1, जो राउटर लिंक LSA हम उसको बोलते थे, राउटर LSA, राउटर लिंक स्टेट, एंड ये क्या है नेट नेटवर्क, क्या मैंने बताया था। राउटर 2 क्या देता है, जितनी भी आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड मतलब नेबर की इंफॉर्मेशन देता है, किसमें, नेटवर्क लिंक LSA 2 में। कुछ सीक्वेंस नंबर होता है जो क्या करता है, लूप प्रिवेंट से, ओएसपीएम में लूप प्रिवेंशन ना हो तो ये सीक्वेंस नंबर का कुछ, ये सब आपको CCNP में मिलेगा, अच्छे टॉपिक है ये सीक्वेंस नंबर पूरा। एंड ये सब क्या है, ये सब तो आपकी लिंक आईडी क्या चल रही है, एडवांस राउटर की LSA के कुछ इंफॉर्मेशन आ रहे हैं आपके। तो मेन यहाँ पे देखिए राउटर लिख दिया मतलब ये LSA 1 है, नेट लिख दिया मतलब नेटवर्क LSA 2 की इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, ये सारी किसमें आपको दिखती है, जिस भी राउटर का आप डेटाबेस देखना चाहते हैं, डाटा भेज कर यस डेटाबेस। और भी यहाँ से आपके कुछ चलती है, नेबर आपने देख लिया, इंटरफेस देख लिया, एंड बॉर्डर राउटर में क्या है इसको भी देखते हैं, मुझे नहीं पता। अच्छा ये इंट्रा एरिया अभी इससे मतलब नहीं है, ये आगे मैं बताऊंगी। ठीक है, जो 2 टाइप की एरिया थी, इंट्रा एरिया एंड इंटर एरिया, अगर ये स्मॉल आई है तो किससे रूट आ रही है आपकी, इंट्रा एरिया से, अगर कैपिटल आई है तो किससे रूट आ रही है आपकी, इंटर एरिया से। बाय डिफॉल्ट दोनों की एडी वैल्यू क्या होती है, 1:10 होती करेगी है। 110। यस परफेक्ट। ठीक है, बाकी ये वर्चुअल लिंक्स ये सब आगे की टॉपिक है आपकी, और इसमें बस इतनी ही कमांड चल सकती है। ठीक है, क्लियर है ये, इसमें कोई भी डाउट आपको, डीआर बीडीआर कैसे बना कैसे नहीं बना, इलेक्शंस क्या हो गया, होती वैसे है, क्लियर हो गया। अभी भी नहीं आया है, ये आ जाएगा, टाइम लेगा थोड़ा। चलिए अब हम इसको एंड करो, कर दो, एंड कर दो मैम इसको, मैं खुद करके देख लूंगा। हाँ वैसे तो हमें उसके स्टेटस में शो हो गया कि उसकी प्रायोरिटी वैल्यू 150 हो गई, और क्या हो गया, वो हो गया, मेरा हाँ जी डीआर हाँ, बन चुका है। बट अब वही है थोड़ा बन सा गया। उस, हाँ यस कन्वर्जेंस टाइम थोड़ा स्लो होता है तो टाइम लेगा,
और सॉफ्टवेयर अदरवाइज में आप टाइम ले रहा। यस क्लियर आईपी प्रोसेस, क्लियर आईपी ओएसपी आप प्रोसेस आप कमांड रन करिएगा तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अब लास्ट हम क्या आज के टॉपिक में लास्ट, अभी तो ओएसपी अब खत्म नहीं हुआ, आज का हम लास्ट टॉपिक क्या देखते हैं कि जो मेरा हेलो पैकेट जाता है जो क्या है बाय डिफॉल्ट 10 सेकेंड का होता है हेलो पैकेट। अब हेलो पैकेट में टेन इनको सेकेंड हम का यस हेलो पैकेट को हम हेलो पैरामीटर भी, इसके अंदर क्या जाती है कुछ हेलो की पैरामीटर जाती है। क्या क्या कंटेंट्स जाते हैं, जैसे सबसे पहले तो जाता है फर्स्ट नंबर पे ओएसपीएफ का प्रोसेस आईडी, ठीक है। प्रोसेस आईडी हम जो लगा के देते थे जैसे 5 मैंने लिया था, और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 6553 5, सॉरी 0 नहीं 1 से स्टार्ट है। नहीं एंड सेकेंड जाता है इसमें क्या, हेलो पैकेट में क्या कंटेंट्स जाते हैं, एरिया। एंड थर्ड क्या जाता है, एरिया हमने जो डिफाइन करा था, थर्ड क्या जाता है यहाँ पे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जैसे दो राउटर हैं, अब आप यहाँ पे /24 एंड यहाँ पे आप /26 तो नहीं कर सकते ना, यहाँ पे भी आप क्या करेंगे /24 ही करेंगे। तो ये होता है आप जो भी स्लैश वैल्यू जो भी आपकी सबनेटिंग जा रही है वही आपका प्रीफिक्स लग के जाता है, मतलब आप एक तरीके से स्लैश को प्रीफिक्स भी बोल सकते हैं, ओके ठीक है। तो प्रीफिक्स भी ऑलरेडी जाहिर सी बात है आप सेम लगा के जाएंगे। एंड यहाँ पे कुछ टाइमर होती है, ठीक है। टाइमर भी मुझे क्या करना है, टाइमर अभी मैं आगे बताती हूँ। देन यहाँ पे राउटर आईडी की इंफॉर्मेशन होती है किसके अंदर, बस हेलो पैकेट के अंदर। सोचिए कितनी इंफॉर्मेशन लग के जाती है, ओके हमें लगता है कि बस एक हेलो पैकेट चली गई, अब उसके अंदर ये 6 इंफॉर्मेशन जा रही है। 6 क्या है, राउटर की प्रायोरिटी वैल्यू, ठीक है। अच्छा मैंने उस पे करा था, हमने टाइमर चेंज कर दिया था ना, आप टाइमर देखिए, टाइमर यहाँ पे ओएसपी प्रोसेस आईडी तो चेंज हो सकती है, बट एरिया अगर आपने राउटर नंबर 1 पे जो सेम दिया है, मतलब जिस भी एरिया में आपको क्या करना है एडवर्टाइज करना है वही आपका एरिया होना चाहिए, मतलब एरिया। मस्ट मैच होना चाहिए। प्रीफिक्स भी क्या होना चाहिए, अगर आप /24 यूज कर रहे हैं तो आपको दोनों राउटर पे /24 यूज करना है। एंड टाइमर भी क्या होना चाहिए, अगर आपने हेलो या कुछ टाइमर चेंज करा है तो वो टाइमर भी दोनों साइड, तो मुझे लग रहा है टाइमर की वजह से भी वहां पे इशू आ सकता है, हमने एक टाइमर चेंज कर दिया था तो हमें सारे राउटर पे जाके टाइमर चेंज करना होगा, ठीक है। तो मे भी इस वजह से भी क्या है वो इतना टाइम ले रहा था। तो आप एक बार क्या करिएगा, आप टाइमर मत चेंज करिएगा, आप सिंपली करिएगा तो रूट्स आ जाएंगे, अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है। फिर राउटर आईडी यहाँ पे क्या है, राउटर आईडी तो हमें पता ही है क्या, ठीक में यूनिक, हमेशा यूनिक होती है राउटर आईडी। राउटर आईडी का कॉन्सेप्ट कल हम देख लेंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसका। एंड राउटर प्रायोरिटी ये तो हमें पता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे इसके बेस पे हम क्या करते हैं वन DRM रहती है DDR टू का इलेक्शन करते फाइव हैं। इसकी रेंज कहाँ से होती है, 1 से लेके 255 तक वन हम चूज से कर, टू फाइव फाइव ठीक है। और राउटर आईडी तो हम कल देखेंगे, बाकी ये तीन चीज अगर इसमें थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस हुई, मस्ट मैच नहीं हुआ, मुझे लग रहा है हमारे केस में टाइमर डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। यही टाइमर दिक्कत को आ गई है। हाँ 5 हमने कर हाँ दिया वही है वही एंड वही 50, अब इसको आप क्या करिएगा 10 करिएगा, जो बाय डिफॉल्ट है वही चलने दीजिएगा, ठीक है। तो वो रूट्स आ जाए, क्योंकि स्टेटस तो हमें शो कर दिया था ना वहां पे क्या, कि 150 प्रायोरिटी हो गए और DRE बन चुका है, तो इससे तो हमें क्लियर हो गया कि हाँ ये DR बन चुका है, बट अभी भी उसके रूट्स नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो ये रूट्स मुझे लग रहा है टाइमर क्या होना चाहिए, मस्ट मैच होना चाहिए, मैंने वो ये बंद कर दिया है वरना अभी मैं उसको चेंज करके कर देती हूँ, क्लियर है। सो बस ठीक है भाई। हमारा एक लास्ट टॉपिक और रह गया है राउटर आईडी का छोटा सा लैब, एंड देन हमारा फाइनल एक ओएसपीएफ का लैब जिसमें मैं आपको सारे एरिया अलग अलग एरिया में एडवर्टाइज करना सिखाऊंगी कि कैसे हम अलग अलग एरिया बनाते हैं और रूट्स को कैसे हम अलग अलग ओके एरिया में डालते हैं। आज नहीं हो पाएगा अदरवाइज हम, या बोलिए तो टाइम है ठीक तो है आज मैं ओएसपीएफ खत्म कर सकती हूँ, 7:30 तक रोक सकते हैं तो मैं खत्म कर दूंगी।
अरे नहीं मैम, थोड़ा वो भी होना चाहिए ना, मतलब डाइजेस्ट हो जाए जितना पड़ा आज। बिल्कुल। आज मैं सोची थी और इस पे अब फिनिश कर दूंगी, बट कोई नहीं, एक उसका लैब है तो मैं